एक का फीचर हम इसमें बना रहे थे सोशल पोस्टिंग ऐप में, इसमें हम क्या कुछ कर चुके थे उसको देखने के लिए ज़रा हम इसको चला लेते हैं आपको। मोंगडीबी पॉपुलेशन npm रन डेव, अच्छा जी। तो इस वक्त ये लॉग आउट कंडीशन में, इसको हम लॉग इन कर लेते हैं ताकि हम उस स्क्रीन पर जा सकें जिस स्क्रीन पे हमने जाना था। ठीक है जी, ये वो स्क्रीन आ गई हमारे पास। अच्छा, होम है हमारे पास, प्रोफाइल है, चैट है, अबाउट है। सॉरी फॉर दिस बैड CSS, इसमें हमने लास्ट टाइम टेलविंड लगाया था लेकिन उसको हमें हटाना पड़ा क्योंकि वो क्या करता था, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हर चीज़ की ज़ीरो कर देता था, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया क्योंकि वो टाइम टेकिंग भी था, हम एक्चुअल फंक्शनैलिटी पे टाइम नहीं लगा पा रहे थे उसकी वजह से। तो अच्छा जी, तो हम चले जाते हैं होम पे। अच्छा, होम पे हमारे पास क्या फ़ीचर मौजूद है इस वक्त, बहुत सारी पोस्ट मौजूद है होम पे, और हमने क्या करना था, हमने लाइक के बटन के क्लिक के ऊपर, इसमें कुछ एरर आ रहा है स्टिल, ठीक है, इसमें कुछ एरर आ रहा है जो अभी हम देख लेंगे कि वो क्या एरर है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना था कि लाइक का बटन जब प्रेस हो तो हम उस लाइक को रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, इस पोस्ट के साथ इस बंदे का नाम नहीं आ रहा था तो हमने उसका भी इंतज़ाम किया था कि बंदे की पोस्ट के साथ ना बंदे का नाम साथ में आ रहा हो ताकि हम उसको साथ में क्या करवा सकें, डिस्प्ले करवा सकें। ये हमने प्रोफाइल में किया था, किसमें किया था, नाम साथ में जो डिस्प्ले था, प्रोफाइल पे किया था। एक मिनट, यहाँ से ज़रा वो देख लेते हैं कि जो नेटवर्क की कॉल है ना उसमें क्या आ रहा है। अच्छा, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ अगेन। अरे स्लो 3G नहीं है भाई, नो थ्रॉटलिंग। अच्छा, हमारे पास जो ये फीड आ रही है, इस फीड के अंदर हमारे पास ऑथर का पूरा डेटा आ रहा है, जस्ट हमने इसको डिस्प्ले नहीं करवाया था लास्ट, डेटा हमने मंगवा लिया था ज़रूर। तो ये जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल है ना, इसको मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ यहाँ पे इसके साथ ताकि पता लगे कि ये पोस्ट किस बंदे की है। अच्छा, हम आ जाते हैं जी इसी होम डॉट JSX के ऊपर, और ऑथर ईमेल यहाँ पे आ तो रहा है यार, इधर शो क्यों नहीं हो रहा। ऑथर ईमेल यहाँ पे लगा तो दिया हमने। अच्छा, वो इज एडिट पे लगा दिया है गलती से हमने। अच्छा, तो हमने कहा कि जी पोस्ट डॉट इज एडिट, अगर ये ट्रू है तो ये फॉर्म दिखाता है, अदरवाइज ये पूरी पोस्ट इस तरह दिखाता है। अच्छा, तो ऑथर ईमेल, टाइटल और टेक्स्ट, तो ऑथर ईमेल हमने डिस्प्ले तो करवा दिया लेकिन ऑथर ईमेल यहाँ दिख नहीं रहा, तो हम ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या चक्कर है। अच्छा, ये खाली आ रहा है ऑथर ईमेल, इसका मतलब है हमने स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दी है। अच्छा, अब ये इस तरह है, ऑथर ऑब्जेक्ट है असल में, हमने इसको चेंज कर दिया था, ऑथर ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल है। ठीक है, तो इसको हम ऑथर ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल करेंगे, EMAIL ईमेल। ठीक है, तो हर पोस्ट के साथ अब ईमेल आ रही है। अच्छा, अब ईमेल को टाइटल के बाद डिस्प्ले कराना है या टाइटल से पहले डिस्प्ले कराना है, अब ये एक CSS वाली चीज़ है, तो इसको आप जो भी आपका टेम्पलेट होगा, जो भी आप डिज़ाइन होगा उसके अकॉर्डिंग, या तो इसको पहले या तो उसको बाद में आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, और मैं साथ में क्या कर देता हूँ, नाम भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, आमतौर पर इस तरह से नहीं होता इतना नाम वगैरह डिस्प्ले, मतलब ईमेल और नाम दोनों साथ साथ नहीं होता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ फ़िलहाल, जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट और जस्ट टू मेक इट सिंपल, मैं नाम और ईमेल दोनों को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, बंदे का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आ रहा है और बाकी उसका ईमेल आ रहा है। अच्छा यार, ABC@ABC को ना, इसको मैं कुछ अच्छा नाम दे देता हूँ जो कि मैंने अकाउंट बनाते हुए शायद वैसे ही लिख दिया, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन इसको मैं कोई अच्छा नाम दे देता हूँ क्योंकि ये कौन हूँ इस वक्त, ये आई थिंक मैं खुद ही हूँ ना, ABC@ABC.com हूँ इस वक्त, जो मैं लॉग इन हूँ ना, मैं ABC@ABC.com हूँ, तो इसका मतलब ये मेरी पोस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना,
कोई अच्छा सा नाम दे देता हूँ अपने आप को ना, सही है। वो मैं किस तरह दूंगा, वो मैं दूंगा डेटाबेस में डायरेक्ट जाके मैं उसका नाम चेंज कर दूंगा तो हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, एडिट प्रोफाइल के अंदर जाके मुझे ये काम करना होता है एक्चुअली, लेकिन फिलहाल जस्ट टू मेक इट सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट डेटाबेस में जाके उस नाम को ज़रा चेंज कर रहा हूँ, ताकि अब कुछ मतलब स्क्रीन पे जो दिख रहा हो ना वो बिल्कुल ही मतलब गार्बेज ना दिख रहा हो। चल पड़ भाई, क्या हो गया? अच्छा, क्लिक नहीं किया था मैंने। अच्छा जी, क्रट डी बी और यूज़र्स, और यूज़र्स के अंदर ये हमारा ए बी सी एट द रेट ए बी सी है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ कि जी इंजमाम, और इसको मैं कर देता हूँ मलिक, सही है, और इसको अपडेट कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। हमारा ये ए बी सी एट द रेट ए बी सी जो क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास ये प्रॉपर नाम मेरा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके बीच में शायद नाम और ईमेल के बीच में शायद एक डैश मुझे लगा देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नाम के साथ डैश लगा दिया, ठीक है। और इसको शायद मैं टाइटल के बाद कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने टाइटल के बाद कर दिया कि जी पहले टाइटल है, उसके बाद बंदे का नाम है, और उसके बाद उसकी पोस्ट आ रही है, ठीक है। फेसबुक पे इस तरह नहीं होता आमतौर पे, फेसबुक पे ही होता है कि सिर्फ बंदे का नाम होता है, उस फेसबुक पे टाइटल वाला कोई हिसाब नहीं है। हमारे केस में हमने टाइटल रखा हुआ है और बॉडी अलग रखी हुई है, ये दो चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, तो हम वेल क्या कर रहे थे कि लाइक के बटन की फंक्शनैलिटी बना रहे थे, तो वो लाइक के बटन की जो फंक्शनैलिटी थी उसमें हमने कहाँ तक प्रोग्रेस कर ली थी, ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ये डू लाइक का हमने एक फंक्शन तैयार किया था, जिसमें होता क्या था कि एक एपीआई हम कॉल करते थे और उस एपीआई में पोस्ट की आईडी भेजते थे, और जाहिर है जो बंदा लॉगिन है उसका ऑटोमेटिक ईमेल हमें मिल रहा होता है सर्वर पे, तो हमें पोस्ट की आईडी भेज रहे होते थे सर्वर पे, और हम भेज रहे होते थे कि कौन है वो बंदा जो लाइक कर रहा है, ठीक है। ये ऑथेंटिकेटेड एपीआई है, ऐसा नहीं होगा कि एपीआई कॉल हो और मुझे यूज़र का कुछ डेटा ना मिले। तो जो यूज़र इस एपीआई को कॉल कर रहा है ऑथेंटिकेटेड यूज़र, तो हमें उसकी आइडेंटिटी मिलती है और साथ में हमें वो मिल जाता है। अच्छा, ये डू लाइक के अंदर मैं बॉडी क्यों भेज रहा हूँ बाय द वे, बॉडी भेजने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बॉडी वैसे तो ये अच्छा, मैंने एक्चुअली क्या किया था कि इसको कॉपी किया था ऊपर किसी और फंक्शन को, और मैंने शायद इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि एग्जीओस डॉट डिलीट ही इसमें लिखा हुआ है पुराना, ठीक है, इसको मैंने चेंज नहीं किया था। तो ये हमने कर लिया डू लाइक का फंक्शन, क्योंकि हमने क्या किया था, नीचे जब बटन के ऊपर डू लाइक लगाया था ना ऑन क्लिक पे, तो वो क्या होता था कि जी वो एरर देना शुरू हो जाता, तो इसलिए हमने उसको जल्दी से एक डमी फंक्शन बना लिया था। अच्छा, अब सर्वर पे क्या हो रहा है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, साइड बाय साइड सर्वर और दोनों को लेके चल रहे हैं, यानी एक फुल स्टैक डेवलपर मोस्टली यही कर रहा होता है, जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं ना उसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही बंदा देख रहा होता है, तो काइंड ऑफ इसी तरह की एक अप्रोच चल रही होती है कि बैक एंड फोर्थ आप फ्रंट एंड और बैक एंड पे होते हो। अच्छा, आ जाते हैं जी हम पोस्ट डॉट एम जे एस के ऊपर ना, ठीक है। अच्छा, तो हम एक्चुअली लाइक वाले फीचर पे काम कर ही नहीं पाए थे लास्ट क्लास में, है ना, हम एक्चुअली फीड के ऊपर ही हमने बस अपनी क्लास पूरी कर ली थी। अच्छा, ये फीड कॉल हो रही है हमारी, और ये हमने कर्सर वर्सर बनाया था, और कर्सर बना के हमने एग्रीगेशन लगा के और इसको पूरा, हाँ, तो लाइक का फंक्शन हम बना ही नहीं पाए थे, नहीं बना पाए थे हम। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक एपीआई बना लेते हैं लाइक की एपीआई, सही है। ये सारे राउटर्स को मैं बंद कर देता हूँ ताकि मुझे क्या पता लग जाए, एग्जैक्टली पता लग जाए कि मेरे पास कौन कौन सी एपीआईज मौजूद हैं। अच्छा, तो ये डिलीट पोस्ट जहाँ पर हो रहा है, तो डिलीट पोस्ट के फ़ौरन बाद मैं क्या कर देता हूँ, एक डू लाइक की एक एपीआई बना देता हूँ। ओहो, सही है, राउटर डॉट, अच्छा जो डू लाइक का जो राउट होगा मेरे पास वो कौन सा होगा, गेट पुट पोस्ट डिलीट कौन सा होगा, पोस्ट होगा, आर यू श्योर, कैसे, क्यों, वजह क्या होगी पोस्ट होने की, हाँ, क्योंकि मैं सर्वर पे एक नई रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, नई रिसोर्स तो नहीं क्रिएट कर रहा मैं, पोस्ट जिसको मैंने लाइक किया है पोस्ट को वो तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है ना, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है वो पोस्ट जिसको मैं लाइक कर रहा हूँ, लेकिन असल में आपके लाइक करने से क्या होता है कि उस पोस्ट के अंदर एक एरे होगा लाइक्स का, उस एरे में एक नया आइटम ऐड हो जाएगा जो कि आपकी यूज़र आईडी होगी, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका क्या होगा, उसका जो वो रीज़न पोस्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप लाइक अपना पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो आपका जो
स्लैश पोस्ट आईडी, सही है। और मे भी इसके आगे मैं स्लैश लगा दूँ लाइक, इस तरह कर दूँ मैं, ठीक है। तो ये इस तरह की मैंने एक एपीआई तैयार कर ली। अच्छा, इसको मैं कुछ भी और भी कर सकता था, मैं ऐसे भी कर सकता था कि पोस्ट स्लैश लाइक और स्लैश पोस्ट की आईडी, इस तरह भी कर सकता था मैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने इसको इस तरह कर लिया फिलहाल कि जी स्लैश पोस्ट आईडी और स्लैश लाइक, ऐसे करके मैंने कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पैरामीटर के अंदर, पैराम्स के अंदर जो पोस्ट आईडी मिलती है, ऑब्वियसली उसको मैं चेक करूँगा कि वो वैलिड है या नहीं है। अगर तो वो इनवैलिड है तो मैं उसको मना करके यहाँ से भेज दूँगा वापस। अच्छा, अगर वो वैलिड है तो मैंने क्या करना है, अब सर्वर के ऊपर जाके, अब सर्वर में जो मेरी पोस्ट का जो जो आ जाते हैं, ज़रा पोस्ट का देख लेते हैं किस तरह का है वो। अभी फ़िलहाल जो मेरा पोस्ट है ना, वो कुछ इस तरह से दिखता है अभी राइट नाउ, ठीक है। आईडी है, टाइटल है, टेक्स्ट है, क्रिएटर है, क्रिएटेड ऑन है, और यार इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि किस बंदे ने ये पोस्ट की है, ये क्या बकवास है, ये मैंने अभी तक ऐड नहीं किया गया। अच्छा, वो ऑथर मैं हमने बाद में किया था, तो कुछ पुरानी पोस्ट हैं जिसमें ऑथर का जिक्र नहीं है, तो एक काम करते हैं, उन पुरानी पोस्ट को क्या कर देते हैं, या तो डिलीट कर देते हैं या तो उसमें हाथ से कोई ऑथर डाल देते हैं। वेल, तो हमारी पोस्ट अभी काइंड ऑफ कुछ इस तरह की है, ठीक है, इसमें ऑथर मौजूद है हमारी पोस्ट में। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, एक लाइक्स का एक एरे होगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स MongoDB के अंदर पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है हमने, नंबर पढ़ा है, डेट पढ़ा है, और ऑब्जेक्ट आईडी पढ़ा है। अच्छा, एरे भी काइंड ऑफ ये जो एम्बेडिंग जो है, असल में ये एरे है, लेकिन हमने एरे को ऐसे डिस्कस नहीं किया, ठीक है, वो हमने जस्ट एक आर्टिकल था उसको एज इट इज़ फॉलो कर लिया था। तो अब हम जो इसके अंदर डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं ना, वो एरे डेटा टाइप है कि जी, अब MongoDB के ना डॉक्यूमेंट में एक एरे होगा, उसमें नए आइटम्स आप ऐड करोगे, उसमें एग्जिस्टिंग आइटम को आप रिमूव करोगे, ठीक है। अब एरे के जो ऑपरेशन, जो जो ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं एरे के, वो सारे ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में पुश पॉप करके फंक्शन है, इसके अंदर उनके फंक्शंस अलग हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर्स, है ना, डॉलर ऐड करके, वो ऑपरेटर हमने लास्ट देखा था जब हम ये एम्बेडिंग पढ़ रहे थे, तो इस तरह करके उसके ऑपरेटर्स हैं। तो वो ऑपरेटर्स सारे हम कोशिश करेंगे कि एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि हमने लाइक करवाना भी है और लाइक हटवाना भी है। लाइक हटाते हुए भी बंदा अपनी आईडी देगा कि यार ये मेरी आईडी है और ये पोस्ट की आईडी है, इसको डिसलाइक कर दो, यानी लाइक किया हुआ अगर तो हटा दो उसको लाइक। तो मैंने करवाना भी है लाइक और हटवाना भी है लाइक, ये दोनों काम मैंने करना है। अच्छा, तो वो मैं जो लाइक, मिसाल के तौर पे मैं एक एरे बनाता हूँ, मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने पोस्ट को लाइक किया, तो उस एरे में सबसे पहली आईडी किसकी होगी, मेरी होगी। अच्छा, उसके बाद अब दो चार लोग और आए, उन्होंने भी क्या कर दिया, पोस्ट को लाइक कर दिया, तो मेरे बाद उनकी आईडी आ चुकी है। लिहाजा अब जब मैं अगर डिसलाइक करता हूँ उस पोस्ट को, यानी अपना लाइक ख़त्म करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, एक्चुअली मैं पॉप वाला काम नहीं कर सकता कि लास्ट की एक उड़ा दो, ये नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है लास्ट में भी मेरी है या कोई और भी आ चुका है, तो पॉप वाला काम तो नहीं कर सकता मैं जो जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि उस एरे में सर्च करना होगा कि आया कि इसमें क्या मेरी आईडी मौजूद है, जो कि है ऑब्वियसली, जब ही स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अगर है तो उसको रिमूव कर दो, वो कहीं पर भी है, दरमियान में, आखिर में, शुरू में, उसको रिमूव कर दो, तो वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा कि जब हम पोस्ट को गेट करेंगे, जब हम पोस्ट को गेट करेंगे, तो वो एरे जो मेरे पास है वो पूरा आएगा साथ में। उस एरे का जो साइज़ होगा मैं वो दिखा दूंगा कि जी इतने नंबर ऑफ लाइक्स हैं, मिसाल के तौर पर एरे की जो लेंथ है अगर वो 10 है, तो उसका मतलब इस पोस्ट पे 10 लाइक है, तो मैं उसको काउंट करके एक छोटा सा नंबर डिस्प्ले करवा दूंगा कि 10 लाइक है, ठीक है। जैसे ही बंदा लाइक का बटन प्रेस करेगा, मैं वो दोबारा फैच कर लूँगा उसको, तो वो भी अपडेट हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। या मैं उसको लोकल परफॉर्म कर सकता हूँ कि जैसे ही लाइक का बटन दबाए बंदा, तो लाइक भी कर दो और फैच ना करो, बस एक इंक्रीमेंट वैसे ही लगा दो, ठीक है। इस तरह भी कर सकता हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ कि पूरी की पूरी पोस्ट को मैं दोबारा से फैच कर लूँ। तो वेल, तो ये एक हमारा बिग पिक्चर में एक प्लान है हमारा, जो हमने करना है लाइक के फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा जी, आ जाते हैं अब हम यहाँ पर, और कलेक्शन डॉट करके ना हमारे पास जो डिलीट रिस्पांस नहीं होगा, डू लाइक रिस्पांस, ठीक है, डू लाइक रिस्पांस मैंने इसको कर दिया। अब ये डू लाइक के लिए जो है ना, मुझे क्या करना होगा, कलेक्शन डॉट डिलीट नहीं करना होगा, कलेक्शन डॉट करना होगा इसको हमें, वो अपडेट करने के लिए क्या करते हैं, अपडेट अपसर्ट अपडेट वन एक्चुअली, ठीक है, अपडेट वन। अच्छा, और मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास पोस्ट की आईडी मौजूद है,
जिसको मैंने अपडेट करना है। तो मैं अपडेट वन में लगाता हूँ कि भाई क्राइटेरिया कि कौन सी पोस्ट को अपडेट करना है, वो क्राइटेरिया मैंने लगा दिया। और क्राइटेरिया लगाकर मैंने कहा अंडरस्कोर आईडी और ये है आईडी जिसको आपने अपडेट करना है। अच्छा, सेकंड जो पैरामीटर होता है अपडेट वन के अंदर वो क्या होता है कि अपडेट करनी क्या चीज़ है, वो सेकंड पैरामीटर होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे आप देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे पहला पैरामीटर देखिए कॉमा लगाता हूँ ना, ये मुझे बता देता है कि पहला तो था फिल्टर कि किस क्राइटेरिया के ऊपर जाके अपडेट परफॉर्म करना है, और दूसरा मेरे पास है कि वो एक्चुअल अपडेट का जो डॉक्यूमेंट है कि जी वो अच्छा अपडेट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैं क्या देता हूँ, एक आधा जेसन देता हूँ। और उस जेसन का क्राइटेरिया क्या होता है, उसका ये होता है कि जी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पोस्ट में 5 कीज़ मौजूद हैं कि जी टेक्स्ट टाइटल बॉडी ऑथर क्रिएटेड ऑन, ठीक है, तो उनमें से जो कीज़ उस डॉक्यूमेंट में मौजूद होगी उसको वो अपडेट कर देगा, जो मौजूद नहीं होगी उसको वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, लिहाजा मुझे कौन सी अभी की को अपडेट करना है, मुझे की अपडेट करना है लाइक्स। अच्छा, लाइक्स के नाम से तो पहले वहाँ पे की कोई मौजूद है ही नहीं। हम ये भी कर सकते थे कि पोस्ट को क्रिएट करते हुए हम लाइक बनाते और एम्प्टी एरे रखवा देते उसमें, ये हम कर सकते थे, लेकिन नो सीक्वल डेटाबेस में क्योंकि ये स्कीमा लेस होता है तो मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपडेट करते हुए जब लाइक्स उस पर की दूंगा वो नहीं होगी, वो क्रिएट हो जाएगी खुद। अच्छा, ये सीक्वल डेटाबेसेस के अंदर ये काम नहीं हो सकता, वो स्कीमा होता है, उसमें शुरू में ही स्कीमा पूरा डिफाइन करना होता है। अच्छा, हम इसमें भी स्कीमा डिफाइन करते हैं लेकिन अपने दिमाग में ऑन पेपर कि जी इस तरह का डेटाबेस होगा हमारा, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि अच्छा इस तरह हम करने लगे हैं। तो ये ऑन पेपर तो इसमें भी हम स्कीमा बनाते हैं लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन MongoDB की साइड से नहीं है कि आप किसी भी टाइम कोई भी नई की ऐड करो ये एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, फिर फ्रंट एंड पे हम इसको किस तरह हैंडल करते हैं, जैसे हमने देखा अभी हमारे पास कुछ पोस्ट ऐसी जिसमें ऑथर है ही नहीं, ऑथर हमारा नहीं है, तो हम क्या करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर इसको नलिश ऑपरेटर से ये नल चेक लगाते हैं कि कोई वैल्यू अगर नहीं आती है उसको नहीं डिस्प्ले कराते हैं, दैट्स इट। तो आप देखें कुछ पोस्ट ऐसी होगी ना जिसमें ऑथर ये नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डेटाबेस में कुछ पोस्ट हैं हमारे पास ऐसी। चलते हैं नीचे देखते हैं कौन सी ऐसी पोस्ट है। यार कितनी सारी पोस्ट आ गई, अच्छा इसमें तो नहीं आ रही वो वाली पोस्ट, ऐसा कैसे हो सकता है, एक मिनट इसको जरा, जो इलॉन मस्क लिखा हुआ है ना ये वाली पोस्ट हमारे पास जो है वो नहीं है, इलॉन मस्क जिसमें लिखा हुआ है इसमें ऑथर नहीं है ना, तो हम इसमें कंट्रोल एफ करते हैं ना। अच्छा, इलॉन मस्क इसमें दो दो तीन तीन आ रहे हैं, इलॉन मस्क भी इतने सारे हैं ना। अच्छा वेल, हमने शायद इसमें मंगवाया ना तो कुछ लिमिट शिमिट लगा के मंगवाया है, तो मे बी वो आप लोगों ने पोस्ट किया ना तो वो नीचे चली गई है पोस्ट बहुत ज़्यादा, तो हमने जो पोस्ट मंगवाई है ना फीड, हमने जो फीड मंगवाई है वो हमने कुछ लिमिट उसके अंदर लगाई है शायद। कहाँ गया हमारा फीड, फीड फीड कहाँ गायब हो गया, गेट पोस्ट आईडी, गेट पोस्ट, ये फीड है ना हमारा, तो इस फीड में हमने जो लगाया है यहाँ पे लिमिट कुछ लगाई है हमने आई थिंक इसमें। लिमिट तो यहाँ पे नहीं लगाई यार, ये क्या चक्कर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जिसमें वो मौजूद नहीं है उसको वो लेके ही नहीं आ रहा। अच्छा ये किस किस, अच्छा ये तो ओके 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 गॉट इट, नहीं जो पोस्ट्स है ना उसके अंदर तो मैं बोलता हूँ कि मेरी लाओ सिर्फ पोस्ट, ये वाला जो पोस्ट्स है इसके अंदर तो मैं यूज़र आईडी देता हूँ कि मेरी लाओ सिर्फ, तो इसमें तो वो आएगी नहीं क्योंकि उसमें कोई यूज़र आईडी मौजूद नहीं है, इसमें तो वो नहीं आएगा। तो ये आना तो उसको फीड में ही चाहिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर, एक मिनट देख लेते हैं कि फीड में यहाँ पे जो मेरे पास एरे आता है उसका साइज़ क्या है। मेरे पास जो फीड के अगेंस्ट जो एरे आता है उसका साइज़ तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा, कॉन्सोल पे दिख रहा होगा शायद उसका साइज़, कॉन्सोल पे अगर मैंने इस एरे को प्रिंट करवाया हुआ, 56 मुझे दिख रहा है इस वक्त राइट नाउ, 56 उसका मुझे साइज नज़र आ रहा है यहाँ पे। अच्छा इस 56 के अंदर, अब यहाँ पे हमारे पास कितने कितने हैं टोटल पोस्ट के अंदर क्या डेटा है, अच्छा इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यार मुझे इसकी कैसे डिटेल दिखती है, राइट क्लिक करके दिखती है क्या, यहाँ पे एक जगह पे मुझे दिख रहा होता है कि इस पूरे
पोस्ट्स और फाइंड दबाता हूँ मैं। यहाँ पे तो टोटल 8 पोस्ट हैं, ये क्या चक्कर है यार, को डेटाबेस मैंने गलत लगा दिया इसमें शायद, है ना। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से ज़रा डेटाबेस का वो यूआरएल ना हिट करके ज़रा, हाँ यही हुआ है कि गलत डेटाबेस लग गया है, गलत डेटाबेस। यहाँ पे मैंने ना वो हिस्ट्री में आ रहा था, मैंने उसको कनेक्ट किया, मुझे लगा कि जो है ना, अच्छा इसको कट करते हैं, इसको हम डिस्कनेक्ट मारते हैं। ये डिस्कनेक्ट कैसे होगा, ओके सही है। ये मैंने दोबारा से यूआरएल वहाँ से कॉपी किया है और ये मैं अब हिट करने लगा हूँ। यार सही है, डेटाबेस का तो कनेक्शन सही है। मेरे पास वहाँ 56 किस तरह आ रही है पोस्ट, हालांकि यहाँ 56 पोस्ट मौजूद ही नहीं है। ये क्या चक्कर है यार, डीबी डॉट क्लाइंट क्रड पोस्ट। हाँ भाई, किसी को समझ आ रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है? डेटाबेस के अंदर तो आरडी पोस्ट है मेरे पास। हाँ ऐसा कर लेते हैं कि एक नई पोस्ट हम ऐड करके देख लेते हैं कि वो किधर ऐड होती है जाके, ठीक है। एक नई पोस्ट हम ऐड करके देख लेते हैं। मैंने कहा कि दिस इज़ अ न्यू पोस्ट और सम टेक्स्ट इन माय पोस्ट, सही है, और पब्लिश, ठीक है। पोस्ट क्रिएटेड, और पोस्ट क्रिएटेड के बाद जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मुझे टॉप पे क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा ये लास्ट में दिख रहा है, वो शायद हमने उस पे लगाया था जो कि ऑर्डर बाई, वो हम इसके अंदर लगाना भूल गए, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो है ना वो, अच्छा आई थिंक ये जो कीज़ वाला जो इशू है ना, इसकी वजह से ये हो रहा है, ये इसकी वजह से ना रिएक्ट पागल हो रहा है। तो पहले रिएक्ट को तो सही करें हम, रिएक्ट का दिमाग जो सही करें हम पहले। अच्छा ये क्या हो रहा है, ये ऑल पोस्ट डॉट मैप जब हम चलाते हैं तो उसको की तो दे रहे हैं हम, अब इसको कौन से वाले में की चाहिए? और ओके ये एक जैसे दो बटन लगे हुए हैं इसके अंदर, इसकी वजह से ही मसला कर रहा है। ये कमेंट का बटन इसको हटा देते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे जब दो एलिमेंट आते हैं तो ये इसको टेंशन हो जाती है फिर। अभी भी एरर दे रहा है, देख लेते हैं कहाँ पे दे रहा है। सेम की दिस 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 शुड बी यूनिक, इनकाउंटर टू एलिमेंट विद दिस सेम की। अच्छा अभी इनकाउंटर टू एलिमेंट सेम की वाला एरर कैसे आ गया यार, इसको ज़रा देख लेते हैं पहले। अच्छा एरर को देखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले एरर से शुरू करें, ठीक है, क्योंकि सब सीक्वेंट एरर समटाइम क्या होता है, उसी का नतीजा होते हैं। अच्छा ये एक कह रहा है कि की है मेरे पास जो कि क्या हो गई है, डुप्लीकेट हो गई है। अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके अंदर एक जैसी दो आ, ओहो ये आपने नोट किया कि बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिसकी मेरे पास बिल्कुल सेम की आ रही है, एक ही पोस्ट इतनी ज़्यादा दफ़ा आ रही है। हाँ ये एक एक पोस्ट मेरे पास 7-8 दफ़ा आ रही है। तो सबसे पहले तो उसको की हम ना सही दे देते हैं, कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं की में, क्योंकि पोस्ट आईडी से तो उसको डुप्लीकेट पोस्ट आ रही है समहाउ मेरे पास, तो इसको कीज़ में ना मैं इंडेक्स दे देता हूँ ताकि इसका ये वार्निंग वाला इशू तो ख़त्म हो ना पहले, फिर हम उसको देखते हैं कि वो डबल डबल क्यों आ रहा है। अच्छा ये अब सेट हो गया। अच्छा अब हमारे पास अभी भी हमारे पास 63 पोस्ट आ रही है, लेकिन वो वार्निंग वाला इशू ख़त्म हो गया है क्योंकि वो एक ही पोस्ट बार बार रिपीट हो रही थी, तो जिसकी वजह से सेम की मिलने की वजह से उसको वार्निंग आ रही थी। अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या चक्कर है। अच्छा
टोटल हमारे पास 7 पोस्ट है एक्चुअली, वाई कॉफ़ी मैटर्स, और एक एक पोस्ट छः छः सात सात दफ़ा आ रही है, 7 दफ़ा आ रही है एक पोस्ट। अच्छा, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमने क्या किया है, हमने कोई गड़बड़ की है इसके अंदर। जो हम ये फीड मंगवाते हैं ना, फीड मंगवाते हुए जो हमने ये एग्रीगेशन लगाई है, मोस्ट प्रॉब्ली हमने इसके अंदर कोई गड़बड़ की है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा, तो हम ये चल के जल्दी से चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। डॉक्यूमेंट में एक्सप्लोर करने से तो बेहतर है हम क्या करें, चैट जीपीटी से हम पूछ लें। ठीक है, अच्छा आ जाओ भाई, चैट जीपीटी से जल्दी से पूछते हैं। सही है, इट इज़ रिटर्निंग सेम डॉक्यूमेंट मल्टीपल टाइम्स। अब देख लेते हैं कि ये क्या जवाब देता है मुझे। अच्छा, ये कह रहा है कि द रीज़न फॉर मोंगो डीबी क्वेरी इज़ रिटर्निंग द सेम डॉक्यूमेंट मल्टीपल टाइम्स बिकॉज ऑफ हाउ यू हैव स्पेसिफाइड द फील्ड ऑफ लुकअप स्टेज। व्हेन लुकअप स्टेज यू शुड प्रोवाइड अ फील्ड इन योर लोकल कलेक्शन दैट कॉरस्पॉन्ड्स अ फील्ड टू द फॉरन कलेक्शन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि फॉरन कलेक्शन से जो आप डेटा मंगवा रहे हो उसको लोकल में किधर रखना है वो आपको मैंशन करना होता है। अच्छा, तो वो हमने मैंशन नहीं किया। अच्छा, द लोकल फील्ड एंड फॉरन फील्ड शुड मैच वैल्यूज़ फॉर 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, अच्छा अब इसने ये एक बना के दिया है कि यार इसको आप ना इस तरह करेंगे। इन योर क्वेरी यू हैव स्पेसिफाइड मल्टीपल फील्ड्स इन लोकल फील्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं लोकल फील्ड में आपने मल्टीपल बता दिए, तो इस तरह नहीं होगा, फॉरेन और मल्टीपल जो है वो एक एक करके ही होगा। अच्छा, क्या हमने इस तरह किया है, फॉरेन फील्ड में भी मल्टीपल बताया हुआ है हमने और लोकल फील्ड में भी मल्टीपल बताया हुआ है, तो हमने ये किया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो हम अब ये 1-to-1 कह रहा है, यानी जो पहला वाला होगा वो पहले वाले में आके गिरेगा, जो दूसरा वाला होगा वो दूसरे वाले में आएगा, वो इस तरह की कोई बात हुई हुई है, और जो तीसरा वाला है वो तीसरे वाले में होगा। तो एक्चुअली हमने फॉरेन फील्ड 3 दिया है और लोकल फील्ड हमने दिया है 4। अच्छा, तो कह रहे हैं कि इस तरह से आपको ना ये पूरा लिखना पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा यार, जो हमने मिस्टेक की थी ना इसके अंदर, पॉपुलेशन की जो क्वेरी थी हमारी, इसके अंदर जो मिस्टेक की थी हमने वो ये की थी कि जो लोकल फील्ड है ना हमारी ऑथर आईडी, वो सामने वाली में कौन से के इक्वल है, वो अंडर स्कोर आईडी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने ये मिस्टेक की थी। अच्छा, और अब ये मैंने कैसे चैट जीपीटी से उगलवाया वो मैं आपको ज़रा प्रॉम्प्ट भी अपना हाथ के हाथ दिखाता चलूँ। सही है, सही है, मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई सैम्पल डॉक्यूमेंट ऑफ पोस्ट कलेक्शन, एक मैंने पोस्ट की कलेक्शन में से एक सैम्पल डॉक्यूमेंट निकाला वो इसको दिया। सही है, पोस्ट की जो मेरी कलेक्शन है इसमें क्या है एक्चुअली, इसकी एक खुद की आईडी है यहाँ पर और एक साथ में इसकी क्या है, ऑथर आईडी है। अच्छा, फिर मैंने साथ में इसको दिया, मैंने कहा भाई सैम्पल डॉक्यूमेंट ऑफ यूज़र्स कलेक्शन, कि यूज़र्स का जो कलेक्शन है उसमें से एक सैम्पल डॉक्यूमेंट, क्योंकि जाहिर है हर पोस्ट के अगेंस्ट यहाँ पर जो ऑथर आईडी है ये एक्चुअली कोई यूज़र है, तो ये मैंने कलेक्शन यहाँ से यूज़र आईडी में से निकाल के दे दिया इसको। अच्छा, फिर मैंने बोला कि भाई विथ नॉट जेएस मोंगो डीबी ड्राइवर आई वांट टू गेट ऑल पोस्ट विथ ऑथर आईडी रिप्लेस्ड विथ एक्चुअल यूज़र डेटा। सही है, ये मैंने इतना बोल के और इससे ये मंगवाया। अच्छा, तो इसने मुझे जो है ना यहाँ पे ये देखें ये कोड सही वाला बता के दे दिया। इसने बोला भाई यूज़र्स के अंदर चलेगा कलेक्शन, मतलब जो जिस पे हम क्वेरी चला रहे हैं वो तो पोस्ट है, पोस्ट गेट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फॉरन कलेक्शन है वो यूज़र्स है। ठीक है, लोकल फील्ड पोस्ट, क्योंकि पोस्ट पे चल रही है क्वेरी, तो पोस्ट के अंदर जो लोकल फील्ड है ऑथर आईडी के नाम से, वो किसी दूसरी कलेक्शन में, यानी कि वो यूज़र्स की कलेक्शन में, वो अंडर स्कोर आईडी के नाम से है वो फील्ड, तो वो उठा के लानी है। अच्छा, एज़ ऑथर इन्फो, यानी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा उसमें उसका नाम अब ऑथर आईडी की जगह ऑथर इन्फो होगा। ठीक है, अच्छा मैंने उसको दूसरा नाम रखा है तो मैंने वो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसने इसका ऑथर इन्फो नाम रखा है। अच्छा, अनवाइंड ऑथर इन्फो ऐसे करके, ये हमने पहले भी लिखा हुआ था इसी तरह से, और नीचे वो पूरा का पूरा सेम कोड आ गया। अच्छा, फिर इसमें हो रहा क्या है इस क्वेरी के अंदर, कि जिस मेरे पास कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें ऑथर आईडी मौजूद ही नहीं है, तो इस क्वेरी के अंदर ना वो उस पोस्ट को लेकर ही नहीं आता जिसके अंदर ऑथर आईडी मौजूद नहीं है, हालांकि मुझे तो वो पोस्ट भी चाहिए। मैं फ्रंट एंड पे क्या करूँगा, नल चेक लगा के उस पोस्ट को मैं हैंडल कर लूँगा, कि उस पोस्ट को मैं या तो डिस्प्ले नहीं कराऊंगा फ्रंट एंड पे, या तो डिस्प्ले कराऊंगा तो उसके ऑथर की जगह मैं
नो ऑथर बता दूंगा या अनडिफाइंड ऑथर बता दूंगा, सही है, या कुछ भी नहीं दिखाऊंगा उसको, मैं गायब करा दूंगा जस्ट। तो मुझे वो वाले भी पोस्ट चाहिए मिसाल के तौर पे। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बोल दिया सीधा सीधा कि मैंने कहा भाई आई हैव सम डॉक्यूमेंट्स इन पोस्ट कलेक्शन विच हैव ऑथर आई डी नल, ऑथर आई डी उसके अंदर नहीं है, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्लूड दोज डॉक्यूमेंट्स इन क्वेरी। मैंने कहा भाई क्वेरी में मुझे वो वाले डॉक्यूमेंट भी आप ला कर दो। तो इसने मुझे क्या बोला, इसने बोला कि ये ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा आपका, लेकिन अनवाइंड के अंदर आप क्या करेंगे, अनवाइंड में पहले जो सीधा सीधा लिख देता ना मैं ऑथर इन्फो, अब मैं सीधा सीधा ऑथर इन्फो नहीं लिखूंगा, बल्कि अब मैं अनवाइंड में एक पूरा ऑब्जेक्ट दूंगा जिसमें पाथ अलग दूंगा और प्रिजर्व नल एंड एम्प्टी एरे अलग से दूंगा मैं, ठीक है। एंड ऑप्शनली, ऑप्शनली मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोजेक्शन में ना पूरी कंडीशन भी लगा सकता हूँ। प्रोजेक्शन में पूरी कंडीशन लगाई है इसने कि इफ़ अगर ये ऑथर आईडी इक्वल टू हो जाए ना नल, तो उसको नल कर दो, अदरवाइज फिर ये कर दो। लेकिन मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई है अपने पास, ठीक है। मैंने बोला कि यार आपको जो प्रोजेक्शन है ना वो उसी तरह रखनी है जैसे पहले थी आपके पास। अच्छा, इसमें मैं वन लगा दूं तो भी एक ही बात है, या मैं जो कि क्योंकि पाथ ऊपर जो मैंने दिया हुआ है ना उसके ऊपर डॉट लगा के फर्स्ट नेम लगा दूं तो भी एक ही बात है, ठीक है, दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अगर किसी में क्या होगा, ये चीज़ अगर किसी के अंदर नहीं होगी तो यहाँ पे अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम अनडिफाइन, लास्ट नेम अनडिफाइन, ईमेल अनडिफाइन। तो अनडिफाइन से एक्चुअली वो की प्रोड्यूस नहीं होती, अनडिफाइन से एक्चुअली क्या होता है, वो की प्रोड्यूस नहीं होती। तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा इतने पार्ट में। अगर किसी के अंदर ऑथर आईडी नहीं होगी तो उसमें मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इस तरह करके, अच्छा वो लिमिट और स्किप हम लास्ट लगाना भूल गया था, तो वो भी मैंने हाथ के हाथ लगा दिया कि जी जीरो स्किप करें और 100 लेकर आए। इसके जरिए हम इंशाल्लाह पेजिनेशन इस पे बाद में अप्लाई करेंगे। अच्छा, पेजिनेशन क्या होता है, बड़ा आसान सा होता है कि जब पहली दफ़ा हिट होता है तो हम जीरो स्किप करके और 100 डॉक्यूमेंट ले आते हैं। जब नेक्स्ट टाइम हिट होता है, यानी जाहिर है जब स्क्रॉल करते हैं पेज को, तो नीचे एक बटन बना हुआ रहा था लोड मोर का, ठीक है, या तो बटन होता है या तो इनफाइनाइट स्क्रॉल का वो लाइब्रेरी लगी हुई होती है। तो जब वो हिट होता है सेकंड टाइम, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पोस्ट इस वक्त लोकल एरे में मौजूद है वो पूरी का पूरा लेंथ उठा के भेज देते हैं। तो वो लेंथ क्या होगी, जब सेकंड टाइम हिट होगा तो वो लेंथ क्या होगी, नहीं इस ये पहली क्वेरी में ये हिट हुआ है, तो सेकंड जब हिट होगा तो क्या होगी उसकी लेंथ जो मैं भेज रहा हूँ साथ। अभी तो मैंने भेजा नहीं है, अभी सिर्फ ये पहली क्वेरी वाला हिट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब पहली दफ़ा मैं पेज लोड करूँगा तो जो मेरे पास पोस्ट गेट होगा उसमें स्किप जीरो है, यानी स्किप कोई नहीं करेगा वो, और टॉप 100 को लेकर आ जाएगा जो भी क्वेरी का क्राइटेरिया है, टॉप 100। तो मेरे पास लोकल एरे के अंदर 100 डॉक्यूमेंट्स आ गए, अगर 100 हुए तो। अभी मैं ये नहीं अभी डिस्कस करके 100 है नहीं है, वो बताता हूँ क्या सीन है। इमेजिन कर लो कि 100 से ज़्यादा थे, तो मेरे पास लोकल एरे में 100 आ गए, मैंने उसको डिस्प्ले करा दिया स्क्रीन पे जस्ट लाइक दिस, सही है, जस्ट लाइक दिस मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब जब मैं स्क्रॉल 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 करके नीचे गया, यहाँ पे नीचे लोड मोर का बटन बना हुआ है या इनफाइनाइट स्क्रॉल की लाइब्रेरी लगी हुई है, ठीक है। और जैसे ही वो लोड मोर का बटन मैं दबाता हूँ तो एक और API हिट होती है, लेकिन अब की बार उसमें क्या मैं साथ भेज रहा हूँ कि मेरे पास लोकल एरे में कितनी पोस्ट मैं मंगवा चुका हूँ, मुझे उसके बाद की 100 पोस्ट मंगवानी है ना मजीद। तो मैं साथ में क्या भेज रहा हूँ अब की बार, मैं भेज रहा हूँ कि मेरे पास लोकल एरे में कितनी पोस्ट आ चुकी है, कितनी पोस्ट है मेरे पास लोकल, 100 है, तो मैं उसमें 100 लगा के भेजूंगा। तो ये स्किप वाली जगह पे ना मैं जस्ट यहाँ पे मैं वो बात लिख दूंगा कि 100 अगली क्वेरी में मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। तो वो एक्चुअली क्या करेगा कि 100 पोस्ट को स्किप कर देगा, यानी इस क्वेरी के क्राइटेरिया में जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं उसमें से शुरू के 100 स्किप कर देगा, उसके बाद वाले 100 लाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसको मैंने क्या कर दिया, मेरे पास क्या हो गया, यहाँ तक 100 आ चुका था, लोड मोर दबाया 100 और आ गया, मैंने और स्क्रॉल किया नीचे, अब एक और मेरे पास लोड मोर का बटन होगा। अब की बार मेरे पास लोकल एरे में कितने आइटम आ चुके हैं, 200 आ चुके हैं। तो मैं अब जो क्वेरी हिट करूँगा उसमें मैं 200 भेजूँगा, लिहाजा वो 200 को स्किप करके अब मजीद 100 लाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो आता जाएगा मैं लोकल एरे में उसको ऐड करता जाऊँगा और इनफाइनाइट स्क्रॉल मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसको हम पेजिनेशन कहते हैं टेक्निकली, ठीक है। तो ये पेजिनेशन के लिए ये दो चीज़ें मुझे चाहिए होती तो मैंने यहाँ पे लगा दिए। अभी हम पेजिनेशन कर नहीं रहे, होपफुली हम कर लेंगे बाद में। अच्छा, तो जी ये हमारा काम हो गया। अच्छा, हमारे पास जो इशू था ना कि वो ऑथर आ नहीं रहा था, तो ये वो ऑथर आना शुरू हो गया अब यहाँ पे, है ना। वाई कॉफ़ी मैटर्स, इसके साथ कोई ऑथर नहीं है तो खाली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऑथर यहाँ पे जिसमें है उसमें ऑथर दिख रहा है, जिसमें है ऑथर वहाँ पे ऑथर दिख रहा है, सही हो गया। अच्छा, आ जाते हैं जी हम अपने ओरिजिनल काम की तरफ, जो हम एक्चुअली करने जा रहे थे और जो अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है, जो डू लाइक वाला जो हमारा फंक्शन था, ठीक है, डू लाइक वाला फंक्शन हमारा।
अच्छा वेल, तो डू लाइक कि हम क्वेरी में क्या लिख रहे थे, मैंने कहा कि यार कलेक्शन डॉट अपडेट वन, ठीक है, यानी कि मैं ये कौन सी कलेक्शन है, ये कलेक्शन है हमारे पास, अगर मैं टॉप पे जाऊँ तो ये कलेक्शन जो है वो एक्चुअली पोस्ट की कलेक्शन है, ठीक है, पोस्ट कलेक्शन है, और जो दूसरी कलेक्शन है उसको मैंने यूज़र कलेक्शन रखा हुआ है नाम, तो मैं पोस्ट कलेक्शन पे एक्चुअली क्या लगा रहा हूँ, अपडेट वन लगा रहा हूँ, और मैं क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि यार ये अंडर स्कोर आईडी जिसकी हो ना, ये वाली पोस्ट आईडी, उस वाले को अपडेट करना है, और अपडेट करना क्या है, अपडेट करना है एक अदद मेरे पास होगा लाइक्स के नाम से की होगी, जिसके अगेंस्ट एक एरे होगा, ठीक है, तो ये मुझे कुछ सजेशन दे रहा है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड टू सेट के नाम को ऑपरेटर दिया, तो उस ऐड टू सेट के नाम के ऑपरेटर को मैं क्या कर लेता हूँ, मोंगो डीबी में, सही है, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, इसने कहा भाई ऐड टू सेट ऑपरेटर एड्स अ वैल्यू टू एन एरे अनलेस द वैल्यू इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है, अगर वैल्यू पहले से मौजूद होगी तो ये उसको ऐड नहीं करेगा, ठीक है, इसका मतलब है कि एक की मेरे पास कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी उस एरे के अंदर, इन विच केस ऐड टू सेट डज नथिंग टू दैट एरे, तो मेरे पास ये ऑपरेटर बिल्कुल परफेक्ट ऑपरेटर है मेरे इस्तेमाल के लिए। अच्छा, ये सजेशन मुझे किसने दिए, ये मुझे कोड विस्परर ने दिए, कोड विस्परर AWS का एक टूल है जो कि इस वक्त फ्री है, तो आप सब लोग भी इसको यूज़ कर लें, अच्छी सजेशन दी है, वरना मुझे MongoDB में जाकर ढूंढना पड़ता डॉक्यूमेंट में, जो कि ऑब्वियसली अब मैं कोशिश करता हूँ मैं ना जाऊँ, मैं ChatGPT से पूछता हूँ, क्योंकि ChatGPT जब बनाया है तो उस वक्त ये MongoDB की लाइब्रेरी फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुकी थी, ठीक है, तो MongoDB का जो जितना भी डॉक्यूमेंट का डेटा है वो ChatGPT को पता है। अच्छा, अगर नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉम्प्ट बनाते, पूरा डॉक्यूमेंट उसको दे देते, उसमें उसके नीचे अपना सवाल लिखते, तो फिर भी जवाब दे देता है वो। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, और मुझे तीसरा कोई इसके अंदर देना है क्या, तीसरा ऑप्शन अपडेट ऑप्शंस है, मेरा ख्याल है उसमें से मुझे कुछ भी इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपडेट ऑप्शन में मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, तो वी आर गुड। अच्छा, अब क्या कर लेता हूँ जी, मैं पोस्ट डिलीटेड के ना मतलब लाइक डन ऐसे करके मैं इसको रिस्पॉन्स दे देता हूँ। अब अनलाइक का कुछ करते हैं, रिमूव आइटम का इसी तरह कोई ना कोई ऑपरेटर होगा, वो हम लगा देंगे तो हो जाएगा वो काम। अच्छा जी, तो ये तो हो गया डू लाइक, सही है, इसको मैं डू लाइक कर देता हूँ, बल्कि डू लाइक कर रहा है ये स्पेसिफिक एक API जो सिर्फ डू लाइक का काम कर रही है। अच्छा, और मल्टीपल इसमें होगा नहीं तो किसी किस्म का मुझे चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कि एरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है पहले से मौजूद है या नहीं, वो ऑपरेटर खुद ही ये काम मुझे करके दे रहा है, तो मैंने क्या कर दिया जी, डू लाइक की API को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एरर लाइकिंग पोस्ट, ठीक है। अब ये मैंने एक API लगा दी, अब इस पर जाहिर है और भी चेक्स हो सकते थे कि जी एरर आ रहा है तो किस तरह का एरर आ रहा है, लेकिन फिलहाल मैं बहुत सारे एरर्स को हैंडल नहीं कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट सिंपली इसको लेके चल रहा हूँ। अच्छा, इसके लाइक के बटन के ऊपर जो फंक्शन बना हुआ है उसके अंदर मुझे अब ये वाली API को क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया हुआ है। आ जाते हैं जी, और इस डू लाइक का जो फंक्शन था हमारा इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास जो था बेस URL /API/V1 और /post, उसके बाद /post ID, उसके बाद /do like, ठीक है, तो हमारे पास ये जो ID है ये क्या है, post ID है ना, हाँ ये post ID है, ठीक है, post/post ID /do like, ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये वाली API है, राइट, /API/V1/post, post की ID और do like, और इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं देना मुझे, बॉडी इसकी खाली होगी, ठीक है। अच्छा, ये ऑथेंटिकेटेड API है, मुझे इसके अंदर क्रेडेंशियल ट्रू लगाना चाहिए, ज़रूरत है मुझे लगाने की, क्यों नहीं है ज़रूरत, हाँ नहीं, ऑथेंटिकेटेड तो होगा, लेकिन हमने सर्वर के ऊपर ऑथेंटिकेटेड API जब कॉल करते हैं तो साथ में कुकीज वुकीज लेके जाते हैं ना, वो HTTPS ओनली कुकी है, जिसमें जब भी मैं एग्जियोस से फ्रंट एंड से कॉल करता हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, मुझे इस क्या वो क्रेडेंशियल्स ट्रू लगाना पड़ता है, विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू, तो क्या मुझे वो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, क्या किया था, इंटरसेप्टर लगा दिया था, ठीक है, तो इंटरसेप्टर लगाने की वजह से अब मुझे हर API में अलग अलग उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब API हिट होती है तो ये इंटरसेप्टर से गुजर के जाती है और वो इसमें उस ऑप्शन को ऐड कर देता है ऑटोमेटिकली,
ठीक है, इसलिए मुझे हाथ से लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको चेक करूँगा गूगल क्रोम में कि एपीआई कॉल किस तरह की गई है, तो उसमें आप देखेंगे विद क्रेडेंशियल ट्रू लगा हुआ होगा। अभी हम इसको देख भी लेते हैं, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। और अब ये डू लाइक का बटन दबाने पर क्या होगा? अच्छा, इज़ लोडिंग भी इस पर ट्रू हो रहा है। इज़ लोडिंग शायद मुझे लाइक के लिए अलग से एक बनाना चाहिए। वेल, अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं ताकि वो लोडिंग एक्चुअली लाइक के बटन पे नहीं आ रहा होगा, वो ऊपर आ रहा होगा किसी जगह पे जहाँ पे हमने लगाया था। तो फिलहाल इसको हम ऐसे रहने देते हैं ताकि हमें ज़रा पता लग जाए। अच्छा, टॉगल रिफ्रेश भी हुआ है यहाँ पे। टॉगल रिफ्रेश से क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही वो एपीआई हिट होगी ना, तो वो पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन मैं अभी फिलहाल उसको रिफ्रेश नहीं करना चाह रहा, अभी मैं चाह रहा हूँ बस लाइक का बटन हिट करूँ, लोडिंग आए वो मुझे पता लग जाए लाइक हो चुका है। अच्छा, सिर्फ इतना अभी काम कर लेते हैं। मैंने इसको कट किया, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। अच्छा, मैं नेटवर्क के टैब में जाता हूँ और मैं अब क्या करता हूँ, लाइक का बटन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो डू लाइक की एपीआई यहाँ पे हिट हो गई है। अगर मैं इसका वो देखूँगा, इसका ये रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स में ना लाइक डन जो मैंने भेजा था वो आ गया। यार, इसमें वो वाली चीज़ क्यों नहीं दिख रही? हाँ, ये कुकी में देखो टोकन साथ लेकर गया, ये विद क्रेडेंशियल ट्रू इसमें क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? यार, वेल, विद क्रेडेंशियल ट्रू यहाँ पे नजर आता था या नहीं आता था? वेल, आई एम नॉट श्योर कि क्या चक्कर है वो। तो हमारे पास क्या हुआ, लाइक यहाँ से डन हो गया। अच्छा, अब इसके नतीजे में होना क्या चाहिए, जिस पोस्ट पर मैंने लाइक का बटन हिट किया था, ये वाई कॉफ़ी मैटर्स वाले पे, उस पोस्ट के अंदर एक एरे बन चुका होगा और मेरी आईडी उसमें आ चुकी होगी। अच्छा, मेरी आईडी कौन सी है, मुझे कैसे पता लगेगा? मैं किसी भी पेज पर जाता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये आ रहा है ना, ये मेरी आईडी आ रही है, सही है, ये मेरी आईडी आ रही है। तो नेटवर्क में यहाँ पे प्रोफाइल जो गेट हुआ है ना, इसके अंदर मेरी आईडी मुझे नज़र आ रही होगी। तो मेरी आईडी के लास्ट में है 0B06, ये वाली आईडी उसके अंदर चली जानी चाहिए थी। देख लेते हैं यहाँ पर आगे, और इस पोस्ट के अंदर जाके मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश कहाँ गया, कंट्रोल आर कर देता हूँ, चलो पता नहीं रिफ्रेश का बटन कहाँ गायब हो गया। ठीक है जी, ये वो वाली पोस्ट है जिसको मैंने क्या किया है, लाइक हिट किया है। तो यहाँ पर लाइक्स का एक एरे बना हुआ आ गया। अच्छा, और ये गड़बड़ हो गई लेकिन, कि ये किस तरह आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे स्ट्रिंग के तौर पे आ रहा है। ये स्ट्रिंग के तौर पे मुझे नहीं चाहिए था, ये मुझे चाहिए था ऑब्जेक्ट आईडी के तौर पे, ठीक है। तो इसको ज़रा सही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। लिहाजा मैं अभी ये लाइक्स का जो एरे है ना, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। क्या मैं कर सकता हूँ ये? इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, एडिट का बटन दबा के ये लाइक्स को यहाँ से मैं हाथ से मैन्युअली हटा रहा हूँ, सही है। और मैं इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है, हाथ से मैनुअली मैंने उस लाइक को रिमूव कर दिया, क्योंकि वो लाइक जो लगा था वो गलत लग गया था। अच्छा, दोबारा मैं एपीआई में जाता हूँ और इस ज़रा इस प्रॉब्लम को ज़रा फिक्स करने की कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा, ये जो इस तरह लगा हुआ है ना, डिकोडेड डॉट अंडर स्कोर आईडी, ये मुझे इस तरह नहीं लगाना, बल्कि मुझे जैसे ये न्यू ऑब्जेक्ट आईडी करके लगाया ना, इस तरह से मुझे लगाना है ये, सही है। ऐसे जो न्यू ऑब्जेक्ट आईडी करके मैंने लगाना है, ये इस तरह करके लगाना है। तो अब ये सेट हो गया होगा। अब दोबारा जाके मैं ज़रा यही वाला काम कर देता हूँ, लाइक वाला रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, और किसी भी एक पोस्ट को रैंडमली मैं, बल्कि मैं एक ऐसी नीचे किसी पोस्ट पे जाके करता हूँ, ठीक है, ये एडमिन एडमिन वाली पोस्ट पे कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरी पोस्ट नहीं है, किसी और की पोस्ट है ये, इसको मैं लाइक करने जा रहा हूँ। हिट करता हूँ मैं लाइक, डू लाइक यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और नीचे एक एडमिन, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, बल्कि सही है, रिफ्रेश करते हैं, सारी चीज़ें अपडेट हो गई। अब यहाँ पे किसी ना किसी एक पोस्ट में क्या आ रहा होगा, वो लाइक कह रहे आ रहा होगा। ये आ गया जी, लाइक्स कह रहे, ठीक है। इसके अंदर अब वो ऑब्जेक्ट आईडी सही तरह से आ रहा है, इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट आईडी अब बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, अब जब मैं क्या करता हूँ, अब जब मैं फीड में अपने जाता हूँ और फीड में जाके मैं उसको क्या करता हूँ, दोबारा से गेट करने की कोशिश करता हूँ जब, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो वो वाला ऑब्जेक्ट है ना जिसको मैंने लाइक किया था, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है दिस इज सेकंड एडमिन, ऐसे करके टाइटल आ रहा है उसका, ठीक है, दिस इज सेकंड एडमिन, यानी कि ये वाला। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो लाइक्स मुझे नज़र
नहीं आ रहा है। ये मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो मैंने फीड की एपीआई कॉल की है उसमें मैंने प्रोजेक्शन में सिर्फ टेक्स्ट और टाइटल और क्रिएटेड ऑन लिखा हुआ है, मैंने उसके अंदर लाइक्स का जिक्र नहीं किया है, इसलिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जाके मेरे जो फीड की प्रोजेक्शन है उसको थोड़ा सा चेंज करूँगा ताकि मुझे ये भी चीज़ मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये मेरी फीड आ गई और इसके अंदर जाके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि यार लाइक्स को भी जो है ना वन कर दो, मुझे ये वाला भी चाहिए। ठीक है, तो फिर मुझे ये लाइक्स भी लाकर देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दिस इज सेकंड एडमिन। अब यहाँ पे देखें मुझे लाइक्स भी मिलना शुरू हो गया। अच्छा, लाइक्स के अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट आईडी मिल रही है। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट आईडी को काउंट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँगा। आसान काम है डिस्प्ले करवाना। अच्छा, अब मुझे इस लाइक को टू भी तो करवाना है, अभी तो ये वन हुआ है ना, इसको टू भी करवाना है क्योंकि ये मैंने लाइक कर दिया है, किसी की पोस्ट थी मुझे नहीं पता किसकी पोस्ट थी, मैंने इसको लाइक कर दिया है तो मुझे यहाँ पे वन डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, आ जाते हैं हम अपने फ्रंट एंड के अंदर और इस वन को डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये मेरी पोस्ट है, पोस्ट का जो बटन है मेरे पास, ठीक है, ये पोस्ट का बटन है मेरे पास लाइक जो लिखा हुआ रहा है। अच्छा, इस पोस्ट की बटन के अंदर ही मैं उसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ कि लाइक के साथ ही ना वो ब्रैकेट में वन लिखा हुआ आ जाए या टू लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा और ऐसे करके मैंने यहाँ पे ऐसे वन डिस्प्ले करवा दिया इस तरह करके। ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अदद टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब चाहे मैं बटन के अंदर लगा दूँ या बटन के बराबर में लगा दूँ, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक अदद ऐसे टर्नरी ऑपरेटर लगा देता हूँ और मैं उसको क्या बोल देता हूँ, बल्कि नहीं यार टर्नरी ऑपरेटर लगाने की क्या ज़रूरत है, उसकी लेंथ मुझे वैसे भी जीरो तो मिलेगी ना, बाकियों में मुझे जीरो लेंथ मिल रही है ना इसकी, नहीं अच्छा नहीं मिल रही, बाकियों में जीरो लेंथ नहीं मिल रही है इसकी। हाँ, वो लाइक एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो लाइक एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, तो मैं ये कर देता हूँ कि लाइक अगर एग्जिस्ट ना करता हो तो ज़ीरो दिखा दो, अदरवाइज उसकी लेंथ दिखा दो। तो अगर एम्प्टी कभी भी मिला तो भी मुझे वो ज़ीरो ही दिखाएगा, और अगर नहीं हुआ एग्जिस्ट तो भी ज़ीरो ही दिखाएगा, और अगर काउंट हुआ कुछ तो वो काउंट दिखा देगा। अच्छा, मैं क्या कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि यार इफ, अच्छा ये आ गया ना, पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट लेंथ, अगर ये ज़ीरो से छोटा हो तो इसकी लेंथ को डिस्प्ले करा दो, लेंथ लाइक ज़ीरो से बड़ा हो अगर तो। अच्छा, लेकिन मेरा तो ये क्राइटेरिया नहीं था, मेरा तो ये क्राइटेरिया, मैंने कहा यार लेंथ पोस्ट डॉट लाइक्स अगर हो, ये मेरे ख्याल है इसमें टर्नरी ही लगेगा, अगर पोस्ट डॉट लाइक्स अगर हो एंड पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट लेंथ भी हो, ठीक है दोनों चीज़ें हों अगर, तो क्या करो क्वेश्चन मार्क के पोस्ट डॉट लाइक डॉट लेंथ को यहाँ पे डिस्प्ले करा दो। सही है। अच्छा, मैं ये भी कर सकता था कि मैं जस्ट ऐसे कर देता, मतलब मैं ये भी कर सकता था कि मैं क्वेश्चन मार्क लगा के ना नलिश ऑपरेटर लगा के मैं ऐसे कर देता, लेकिन ऐसा करने से होता ये कि अगर लेंथ उसकी होती तो नज़र आती, नहीं होती तो कुछ भी नज़र नहीं आता, अनडिफाइन हो जाता। लेकिन मुझे लेंथ ना होने पे भी ज़ीरो दिखाना है क्योंकि मेरा नो स्कीमा वाला डेटाबेस है, तो मुझे उसको इसी तरह से हैंडल करना है कि वो कभी नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये हम प्रोजेक्शन में भी एक कंडीशन लगा सकते हैं, प्रोजेक्शन में हमने देखा कंडीशन लगाने का मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं कंडीशन प्रोजेक्शन पे भी लगा सकता हूँ कि यार अगर नहीं होना तो ज़ीरो वहाँ से बाई डिफ़ॉल्ट लगा के भेजो, तो उससे ये होगा कि हर दफ़ा मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट एम्प्टी एरे जो है ना इस तरह से मिल रहा होगा। ठीक है, क्या ख्याल है, इसमें प्रोजेक्शन में ही लगा लेते हैं, प्रोजेक्शन के अंदर ही लगा लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन के अंदर मैं ऐसे करके क्या लगाऊंगा, मैं डॉलर कंडीशन जो उसने बताया था ना मुझे चैट जीपीटी ने, लगा के ट्राई कर लेता हूँ। ये है मेरी डॉलर कंडीशन, ठीक है ये है मेरी डॉलर कंडीशन, तो मैं लाइक के अगेंस्ट क्या कर लेता हूँ, ये पूरी की पूरी डॉलर कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा लाइक के अगेंस्ट एक कंडीशन लगाओ कि इफ अगर जो है ना, अब यार यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, इफ अगर लाइक्स जो है डॉलर लाइक्स, एक्चुअली डॉलर लाइक्स अगर नल हो जाए अगर, तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको नल नहीं करो बल्कि इसको एम्प्टी एरे कर दो ऐसे। सही है, आई थिंक मुझे शायद ये लगाना चाहिए। एल्स एल्स में क्या करो कि यहाँ पे वही रख दो, एल्स में यहाँ पे जो है ना डॉलर लाइक रख दो। सही है,
तो ये मैंने कंडीशन लगाने की कोशिश की, पहले जो लाइक को जस्ट मैं वन करता था ना, अब मैंने पूरी कंडीशन लगाई है कि भाई कंडीशन अगर इफ़ ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी डॉलर लाइक्स और नल ये इक्वल हो जाए अगर, तो यहाँ पे एम्प्टी एरे चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे नल नहीं चाहिए, अदरवाइज जो डॉलर लाइक्स होता है उसी तरह इसको लगाओ। चला के देखते हैं कि अब ये मुझे डेटा देता है या कोड ब्रेक कर देता है। ठीक है, अगर ये कोड ब्रेक करेगा, कोड ब्रेक तो नहीं किया है इसने, लेकिन वो कंडीशन काम भी नहीं कर रही जो हमने लगाई है, वो कंडीशन काम नहीं कर रही है। लाइक्स लाइक्स सही तो लिखा है मैंने यहाँ पे लाइक्स, नल या अनडिफाइन, अनडिफाइन लगा के चेक करते हैं, क्योंकि लाइक्स के अगेंस्ट नल जो होती है ना वो एक वैल्यू होती है बकायदा, अनडिफाइन का मतलब है कुछ भी ना हो, तो आई थिंक मुझे नल नहीं यहाँ पे अनडिफाइन चाहिए होगा। इट्स नॉट वर्किंग। तो हम क्या करते हैं, चुप करके इस कंडीशन को हटा देते हैं, या मे बी हम ये भी कर सकते हैं कि चैट जीपीटी से जाके ये बात बाकायदा पूछ लें कि भाई हम मंगवा रहे हैं लाइक्स, अगर लाइक एग्जिस्ट ना करता हो तो मुझे वहाँ पे एम्प्टी एरे ला के देते, तो ये कंडीशन मोस्ट प्रॉब्ली हम छोटी सी कोई इसमें मिस्टेक कर रहे हैं वो सही करके बता देगा मुझे। ठीक है, क्या ख्याल है, पूछ लिया जाए क्या चैट जीपीटी से? पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से। सही है, मैं इसको कह देता हूँ कि यार अबव इज माई मोंगोडीबी प्रोजेक्शन इन विच आई वॉन्ट टू गेट एम्प्टी एरे इफ लाइक की डजंट एग्जिस्ट, प्लीज करेक्ट दिस कोड। सही है, दिस कोड इज नॉट वर्किंग भी लिख देता हूँ, दिस कोड इज नॉट वर्किंग एज डिजायर्ड। ठीक है, प्लीज फिक्स दिस कोड। अब देखते हैं क्या करता है ये। अच्छा, इसने एक अच्छा बेहतर तरीका बता दिया, इसने बोला ये कर दो। सही है, इसने एक अच्छा और बेहतर तरीका बता दिया, ये करके ट्राई कर लेते हैं, दैट्स इट। सही है, इसने कहा भाई इफ नल, इफ नल का एक ऑपरेटर है जो हमें नहीं पता था, उसको पता था, उसने बता दिया इफ नल अगर लाइक्स या तो एम्प्टी एरे। तो अब हमें यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली एम्प्टी एरे मिलना शुरू हो जाएगा, अगर एम्प्टी एरे मिलना शुरू हो जाता है तो मेरा फ्रंट एंड क्लीन हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, मुझे एम्प्टी एरे मिलना शुरू हो गया, अगर लाइक्स होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एम्प्टी एरे मुझे स्टिल मिलेगा। तो अब मैंने क्या करना है, फ्रंट एंड के ऊपर जस्ट यहाँ पे ना जो पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट लेंथ दिखा देना, दैट्स इट। ठीक है, जो कि मैं क्या करूँगा, एक ऐसे गोल ब्रैकेट के अंदर दिखाऊँगा इसको मैं। अबे यार ये गोल ब्रैकेट को डिस्प्ले कैसे करूँ मैं, ये गोल ब्रैकेट को तो कुछ और समझता है ना? नहीं नहीं सही है, समझ गया ये। अच्छा, कि एक पे ना ये वन आ रहा होगा नीचे वाले पे, हाँ ये एक पे वन आ रहा है, सही है, बाकी सब पे ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, तो अब मुझे करना क्या होगा, इस वन को मुझे बनाना है टू, है ना? तो मैं किसी दूसरे अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, अब इसको मैं कर देता हूँ लॉगआउट, abc.abc वाले को मैंने लॉगआउट कर दिया, और कौन सा admin@abc वाले को लॉगिन करता हूँ मैं। सही है, ये एक दूसरा बंदा लॉगिन हुआ है अभी, वो पहले वाला नहीं है, ये abc@abc नहीं है, ये admin@abc है। अच्छा, यहाँ से चलते हैं और यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, लाइक का बटन प्रेस कर देते हैं। ये लाइक का बटन मैंने प्रेस किया तो लाइक डन हो गया। ठीक है, लाइक डन हो गया, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको रोका हुआ है पेज रिफ्रेश को। अच्छा, असल में यहाँ पे पेज रिफ्रेश होना भी नहीं चाहिए, असल में यहाँ पे पेज रिफ्रेश होना भी नहीं चाहिए, या तो सॉकेट के जरिए वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, जो अभी मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, सॉकेट के जरिए या तो वो रियल टाइम में अपडेट हो जाए, है ना, या तो ये हो, या तो ये हो कि मैं लोकल उस बटन के क्लिक पर लोकली उसको मैं चेंज करवा दूँ। अच्छा, लोकली चेंज करवाने में एक प्रॉब्लम ये होगी कि सिर्फ आप लाइक करेंगे तो वो बढ़ेगा, बाकी लोग लाइक करेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। सॉकेट के अंदर ये होगा कि कहीं से भी कोई भी लाइक करें ना तो टक 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 आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो सॉकेट वाली अप्रोच ज़रा ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी ऐप में ऐसी होती हैं जो रियल टाइम चाहिए होती है आपको, वन ऑफ दोज थिंग्स आर लाइक काउंट या कमेंट का काउंट, क्योंकि फेसबुक पे आप जब कमेंट कर रहे होते हैं तो रियल टाइम में खुद आता है, आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, तो उसके पीछे एक्चुअली सॉकेट की इंप्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, तो वेल, इसको मैं कंट्रोल आर करके रिफ्रेश हाथ से कर देता हूँ, और जब मैं करूँगा तो यहाँ पर लाइक्स टू हो चुका है मेरे पास।
ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, लाइक का जो काउंट था उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डू लाइक के ऊपर जो हमने लगाया हुआ था एक ऑपरेटर, उस ऑपरेटर में क्या होता है, अगर वो पहले से मौजूद होता है तो वो उसको इंक्रीज़ नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे भी डेटाबेस में जाके देखूँ, और डेटाबेस में इस वक्त जो पहले एक था, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये दो हो चुका होगा, ठीक है, ये दो हो चुका है लाइक, ठीक है। अच्छा, इस दो के अंदर देखें दो अलग अलग यूज़र आईडी आ रही है, यानी दो बंदों ने इसको बाकायदा लाइक किया हुआ है, उन दोनों बंदों का यहाँ पे डेटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अगला काम, जो मेरी फीड है, जो मेरी फीड है उसके अंदर जब मुझे ये पूरा का पूरा पोस्ट नज़र आता है, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये मेरे पास फीड है, ज़ीरो को मैंने खोला, इसमें लाइक्स खाली है। अब मैंने एक ऐसी पोस्ट को खोला जिसके अंदर लाइक्स मौजूद हैं, ठीक है, टू लाइक्स मौजूद हैं, तो मुझे अब जो ये फीड चाहिए उसमें मुझे ये लाइक्स का जो एरे है ना, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग नहीं चाहिए मुझे, ये अब मुझे चाहिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, और ईच स्ट्रिंग यानी ईच आईडी के अगेंस्ट, ये तो अभी जस्ट आईडी आ रही है ना दो, मुझे ये दो आईडी नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए इस बंदे का इस जगह पर। यानी अगेन मैं क्या करूँगा, एक पॉपुलेशन इस पर अगेन अप्लाई करूँगा मैं, जो यानी मेरी ऑलरेडी जो एग्रीगेशन लगी हुई है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन मारता हूँ, ठीक है, मैं ज्वाइन मार के लाता हूँ जो, तो वो यहाँ पे भी मुझे वो काम करवाना पड़ेगा ज्वाइन वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसके लिए मैं अपनी एग्रीगेशन को आके, ठीक है, अगेन मैं कहाँ पर आ गया, अपनी एग्रीगेशन पर आ गया, ये वाले पर, इस पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जिसके ज़रिए क्या होगा कि ना सिर्फ ऑथर की जो आईडी है उसको वो रिप्लेस मारेगा एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, बल्कि लाइक के एरे के अंदर जो पड़ा हुआ है सारे की सारी आईडी उसको भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट से रिप्लेस मारेगा और फिर लेकर आएगा मेरे पास। लिहाजा उसके बाद क्या होगा कि ना सिर्फ यहाँ पे मैं काउंट इसका दिखा पाऊँगा, बल्कि मैं क्या दिखा पाऊँगा साथ में, यहाँ पे होवर करने के ऊपर अगर मैं लिस्ट एक दिखाना चाहता हूँ उन नामों की जिन लोगों ने इनको लाइक किया हुआ है, तो वो नाम भी मैं दिखा सकता हूँ, या मैं उन नामों को अगर क्लिकेबल बनाना चाहूँ समहाउ कि यहाँ पे एक लिस्ट आ रही हो उन लोगों की जिन्होंने उसको क्लिक किया हुआ है, तो उन नामों को मैं क्लिक एबल बनाना चाहता हूँ और उसके क्लिक पे मैं उसकी प्रोफाइल पे ले जाना चाहता हूँ, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाऊँगा मैं, ठीक है। सिर्फ आईडी के ज़रिए शायद ये उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि नाम की लिस्ट तो दिखानी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा इसके होवर पे, क्या मैं एक और API कॉल करूँगा, ठीक है, एक API कॉल अगर मैं करता हूँ मिसाल के तौर पर 1600 IDs के साथ, क्योंकि मेरे पास तो क्योंकि इस वक्त आईडी मौजूद है, तो एक अगर मैं API कॉल करता हूँ 1600 IDs के साथ, 1600 लाइक्स हैं क्योंकि इस पोस्ट पे, तो वो क्या होगा 1600 दफ़ा वो क्वेरी चलाएगा डेटाबेस पे और उसके बाद वो उठा के लेकर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या एग्रीगेशन के अंदर अगर मैं ये काम कर देता हूँ, अगर मैं एग्रीगेशन के अंदर ये काम कर देता हूँ तो क्या उससे कोई इम्प्रूवमेंट आएगी? मेरा सवाल समझ आया सब लोगों को? सवाल ही नहीं समझ आया। मेरा सवाल ये है कि देखो, अभी तो मेरे पास हैं दो लाइक्स, अल्टीमेटली मेरे पास 1600 लाइक्स होंगे या 2000 लाइक्स होंगे या 5000 लाइक्स होंगे। अच्छा, अब मेरे पास 1600 आईडीज है, मैंने काउंटिंग तो दिखा दी 1600 लाइक्स काउंट दिखा दिया मैंने, लेकिन मुझे क्या करना है उसके हवर पे या उसके समहाउ मुझे उन लोगों की लिस्ट भी दिखानी है जिन लोगों ने इसको लाइक किया है, नहीं उनके सिर्फ नाम दिखाने हैं मुझे, उनके सिर्फ मुझे नाम दिखाने हैं। तो ये काम मैं कैसे करूँगा? इसके करने के दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका तो ये है कि मैं फ़ौरन जब मंगवाऊँ ना पोस्ट, क्योंकि देखो मेरे पास 100 पोस्ट आ रही है फ्रंट एंड पे रेंडर हो रही है आगे, 100 पोस्ट मैं डेटाबेस से गेट कर रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी एक ज्वाइन लगा हुआ है, ऑलरेडी उसमें एक ज्वाइन लगा हुआ है, एक पॉपुलेशन लगी हुई है जिसको मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है नाम यानी बंदे का जो है। तो हमने ये बात देख ली थी कि एग्रीगेशन जब परफॉर्म होती है तो वो डेटाबेस के लिए एक्सटेंसिव होता है, यानी डेटाबेस एक्सटेंसिव टास्क है वो एग्रीगेशन, यानी कि एक एक्चुअली वो क्या कर रहा है, एक्चुअली तो वो यही कर रहा है ना कि मैंने मिसाल के तौर पे पहला पेज जो लोड किया है अपनी पोस्ट का, तो वो 100 पोस्ट एक्चुअली वो फैच करके लाया है, तो वो 100 पोस्ट जो है वो हर पोस्ट में से उठाता है ऑथर आईडी और जाके एक डॉक्यूमेंट उठा के लाता है और उसको इधर सजाता है, फिर दूसरी का वो ऑथर आईडी उठाता है उससे डॉक्यूमेंट लाता है इधर सजाता है, तो वो 100 आइट्रेशन एक्चुअली चलती हैं और डेटाबेस में इंटरनली 100 क्वेरी परफॉर्म होती है किसके ऊपर, एक दूसरी कलेक्शन के ऊपर,
है ना, क्वेरी परफॉर्म होती है। तो हमने ये बात उसी वक्त डिस्कस कर ली थी कि एग्रीगेशन हम लगा तो रहे हैं इसके अंदर, लेकिन ये डेटा बेस एक्सटेंसिव है ये, ठीक है। अच्छा तो यही वही काम हम यहाँ पे दोबारा करने जा रहे हैं। अच्छा लेकिन अब की बार क्योंकि ऑथर आईडी तो देखो एक थी, एक पोस्ट के अगेंस्ट एक ही ऑथर आईडी होगी, लेकिन जो लाइक्स का जो एरे है उसके अगेंस्ट 1600-1700 लाइक्स हो सकते हैं। तो अब इमेजिन करो मेरे पास फ्रंट एंड पे वो उन यूज़र आईडीज की क्या आ गई, लिस्ट आ गई, ठीक है। मैं अब चाह रहा हूँ कि यार वो यूज़र आईडी की लिस्ट ना आए, बल्कि मेरे पास पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये काम मैं एग्रीगेशन में करता हूँ तो मेरा एग्रीगेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक पोस्ट के अगेंस्ट 1600 लाइक्स है, फिर अगली पोस्ट में भी इसी तरह होगा, फिर तीसरी पोस्ट में भी इसी तरह। तो 100 पोस्ट को गेट करने के लिए हज़ारों की तादाद में क्वेरी चल जाएगी इंटरनली डेटाबेस के अंदर। मेरे साथ से तो एक क्वेरी चल रही है मेरे साइड से तो, लेकिन इंटरनली डेटाबेस में हज़ारों की तादाद में क्वेरी चल जाएगी। अच्छा ये सब चीज़ें मोंगो उसके अंदर हो भी नहीं सकती, फायरबेस के अंदर, सही है, फायरबेस के अंदर ये वाली चीज़ें हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ MongoDB में या इससे जो बेहतर यानी सीक्वल वगैरह के अंदर हो जाती है ये, ठीक है। क्योंकि शुरू में तुम लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि यार सर फायरबेस तो बड़ा आसान है, वो तो रियल टाइम भी और ये भी और वो भी है, फायरबेस में ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। अच्छा ना फायरबेस ये कॉन्सेप्ट बताता है, फायरबेस ये कॉन्सेप्ट भी नहीं बताता कि हम अंदर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब एक्सटेंसिव होगा कब नहीं होगा। रैंडमली कभी भी डेटाबेस स्लो हो जाता है और हमें क्योंकि पता नहीं होता अंदर क्या हो रहा है तो हम उसको वो नहीं कर सकते। इसमें हमें पता होता है MongoDB में एग्जैक्टली कि अंदर क्या हो रहा है, तो हम उसको प्रिडिक्ट करके और उसी हिसाब से अपनी क्वेरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल तो ये बात डिसाइड हो गई कि इसके अंदर एग्रीगेशन लगाना मुनासिब नहीं है, हालांकि मैं लगा सकता हूँ लेकिन मुनासिब नहीं है, मेरे डेटाबेस को ये मज़ीद स्लो डाउन करेगा। अच्छा दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये हो सकता है, क्योंकि मैंने उसको फ्रंट एंड पे फॉरन डिस्प्ले नहीं करना है, फ्रंट एंड पे तो मैंने जैसे उसका काउंटिंग दिखा देनी है, कोई अगर उस पर जाके उंगली करेगा तो उसको लिस्ट दिखनी चाहिए, अदरवाइज उसको वो नाम नहीं दिखते, फेसबुक में भी नहीं दिखते उसके बंदों के नाम, है ना। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये हो सकता है कि जब उसके ऊपर कोई लाइक्स के ऊपर जाके क्लिक विलिक करे ना जब, तो मैं वो सारी आईडीज़ जो मेरे पास मौजूद हैं वो सारी आईडी उठा के मैं सर्वर पे भेजूं और एक एपीआई बना दूं जिनसे उन तमाम लोगों के नाम मुझे मिल जाए, ठीक है। लेकिन उन तमाम लोगों के नाम को गेट करने के लिए भी मुझे 1600 क्वेरी लगानी पड़ेगी, है ना, 1600 क्वेरी लगानी पड़ेगी। मैं एक्चुअली क्वेरी में क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड, फाइंड वन नहीं लिखूंगा मैं, फाइंड लिखूंगा, और फाइंड लिखने के बाद मैं लगाऊंगा डॉलर करके कोई ऑपरेटर होगा मोस्ट प्रॉब्ली कि भाई इनमें से हो, इनमें से कोई आईडी हो ना जिस बंदे की, तो सारे बंदे लेकर आओ। तो वो एक बड़ा सा मैं एरे दूंगा 1600 का और वो MongoDB की क्वेरी में जाएगा और वहां से सामने से वो आएगा। तो 1600 क्वेरी तो नहीं होगी, लेकिन स्टिल दिस इज एन एक्सटेंसिव टास्क, डेटाबेस के लिए एक एक्सटेंसिव टास्क है। फिर मेरे इस अप्रोच के अंदर मेरे पास प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे फ्रंट एंड के ऊपर पोस्ट तो फॉरन लोड हो जाएगी, लेकिन जब जब मैं लाइक पे क्लिक करूंगा ना तो वो एक सेकंड लेगा उसको शो कराने के लिए, डायरेक्ट क्लिक करते ही शो नहीं होगा। अगर मैं 20-25 पोस्ट है और एक एक करके मैं सबके लाइक्स को देखना चाह रहा हूँ तो दैट वुड बी एन एक्सटेंसिव टास्क फॉर मी, टाइम कंज्यूमिंग होगा एक यूज़र के लिए। ये अप्रोच एक यूज़र के लिए क्या होगा, एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन जाएगा कि अगर उसको ये लाइक चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और जो कि ऐसा हो रहा होता है। तो अगर तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है कि एक एक लाइक अगर बंदा चेक करता है तो वो देर देर से उसको दिखाए, एक एक सेकंड दो दो सेकंड उसको वेट करवा दे वो एक एक क्लिक, क्योंकि API कॉल होती है मेरे फ्रंट एंड से उठ के सर्वर तक जाती है और सर्वर से वापस आती है, तो 200 मिली सेकंड तो यहाँ चलेगा। 200 मिली सेकंड इज़ अ वेरी, आप समझ लें लॉन्ग टाइम, आपको वैसे तो फील नहीं होता लेकिन जब आप एक क्लिक करके आपको वेट करना पड़ता है 200 मिली सेकंड, तो इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये मोस्ट केसेस के अंदर मोस्टली ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती, ये चीज़ क्या कहते हैं डिज़ायरेबल नहीं होती कि एक क्लिक के ऊपर आपको वेट करना पड़े, ठीक है, क्योंकि पेज लोड होते वक्त वो ऑलरेडी वेट कर चुका है 200-300 मिली सेकेंड या 500 मिली सेकेंड, जो भी वेट था उसका वो कर चुका है वो, अब वो दोबारा वेट करे अगली क्लिक पे, तो ये डिज़ायरेबल नहीं होता मोस्ट केसेस में। तो ये दूसरी अप्रोच भी हमारी हो गई फेल, अब बताओ क्या करें इसका। सोचो और सोच के बताओ। ये याद रखो आपके पास यूज़र भी 4-5 नहीं है, यूज़र भी हमारे पास 2-4 हज़ार 5 हज़ार नहीं, बल्कि फेसबुक में तो 2 मिलियन यूज़र हैं, 2 बिलियन यूज़र हैं,
तो अगर 2 बिलियन को मैंने इस तरह लोड कर लिया, अगेन अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ अगर मेरे लिए वो नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, तो उसको लोड करना शायद मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ होगी, एक 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 समझ लें ज़ाया होगा, रिसोर्सेज का ज़ाया होगा। तो इस वजह से मैं तमाम यूज़र्स को पहले से गेट करके नहीं रख सकता अपने पास। हाँ भाई, सारे यूजर को हाँ, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि हम ये कर सकते हैं कि हम फ्रंट एंड से ही भेजें रिक्वेस्ट, यानी फ्रंट एंड पे हम पूरा पूरा ऑब्जेक्ट लोड ना करें, बल्कि जैसे अभी लोड होता है इसी तरह फीड को लोड करें, लेकिन जब कोई लाइक के ऊपर हवर करे तो मैं रिक्वेस्ट मारूँ सर्वर पे उसका नाम गेट करने के, लेकिन सारे को गेट ना करूँ। मैं क्या करूँ, उस आईडी के, उस एरे के अंदर से मैं शुरू के 100 उठाऊँ आईडी और वो भेजूँ सर्वर पे, सिर्फ वो नाम मैं लिखाऊँ, सारे नाम ना दिखाऊँ। लेकिन अल्टीमेटली इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक प्रॉब्लम तो ये, देखो वेट वाला टाइम तो स्टिल अपनी जगह है ना, कि उसको लाइक के बटन पे जब वो हवर करेगा तो उसको 1 सेकंड वेट करना पड़ रहा है, तो वो इशू अपनी जगह है स्टिल। दूसरा इशू ये है कि वो 100 तो चलो मैंने दिखा दिए, लेकिन उसको हो सकता है वो मज़ीद भी देखना चाहे, तो अब वो अगर मज़ीद देखने पर अगर लोड मोर कॉल हो जाता है तो वो फिर मज़ीद 200 मिली सेकंड उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये मसला बजाय शायद हल तो हो गया मसला, लेकिन बजाय शायद जो जो कंफर्ट था एक यूज़र का, जो यूज़र का एक एक्सपीरियंस था जिसको हम बचाना चाह रहे थे, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मज़ीद हर्ट हो गया। अच्छा, तो हेयर कम्स डी पॉपुलेशन। एक तो हमने पॉपुलेशन पढ़ा था, पॉपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट था नो सीक्वल डेटाबेसिस के अंदर, कि हम क्या करते हैं कि वहाँ पे आईडी रख देते हैं और बाद में उसको हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, या जिसको आप सीक्वल डेटाबेस में ज्वाइन का नाम देते हैं, ठीक है, या सीक्वल डेटाबेस में इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है इस पूरे प्रोसेस के लिए, कि जी टेबल्स को जब हम 2-3 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कहते हैं पॉपुलेशन या नॉर्मलाइजेशन। पॉपुलेशन हम कहते हैं सीक्वल में, और नॉर्मलाइजेशन कहते हैं पॉपुलेशन कहते हैं मोंगोडीबी में, और नॉर्मलाइजेशन कहते हैं सीक्वल में, ठीक है। अच्छा, इसका जो अपोजिट होगा मोंगोडीबी के अंदर, इसका एक अपोजिट काम करते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड डीपॉपुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड डीपॉपुलेशन। और सीक्वल में अगर यही काम हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं डीनॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन। अच्छा, सीक्वल के अंदर डीनॉर्मलाइजेशन हम आमतौर पर नहीं करते, वेल वो सीक्वल का कॉन्सेप्ट है, उसकी हम बहस में नहीं पढ़ते अभी कि वो क्या है। मोंगोडीबी के अंदर जो डीपॉपुलेशन है वो क्या चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस वक्त जितनी भी जदीद सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस चल रही हैं, या इवन जो भी मिड लेवल की भी एप्लीकेशन है जो नो सीक्वल डेटाबेसिस को इस्तेमाल करती है, उसमें डीपॉपुलेशन का बहुत अहम रोल है, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है एप्लीकेशन की स्पीड के साथ है, डायरेक्ट ताल्लुक है इसका। हम एक्चुअली क्या करते हैं डीनॉर्मलाइजेशन में, देखो हमने यहाँ पे जो अभी नॉर्मलाइजेशन लगाई है ना, ठीक है, हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में क्या लगाया था, आ जाते हैं इस डेटाबेस के अंदर, ये मेरी एक अदद पोस्ट है, ठीक है, इस पोस्ट के अंदर इस पोस्ट को करने वाले की आईडी लगी हुई है इस वक्त, ठीक है, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है। मतलब इसकी वजह से भी क्या होता है, वो एग्रीगेशन लगता है और पीछे क्वेरी परफॉर्म होती है हमने, लेकिन स्टिल ये बेयरेबल है, स्टिल ये बेयरेबल है। इस काम को करने का जो आइडियल तरीका था वो डीपॉपुलेशन था, इस काम को करने का जो आइडियल तरीका था वो क्या था, वो डीपॉपुलेशन था। अच्छा, डीपॉपुलेशन क्या होता, कि इसकी जगह मैं आईडी नहीं रखता, बल्कि यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ला के रख देता। लिहाजा उससे होता क्या, होता ये कि यूज़र कलेक्शन के अंदर तो एक पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट पहले से, जो साइनअप के नतीजे में क्रिएट हुआ था यूज़र के कलेक्शन के अंदर, वहाँ तो पड़ा हुआ है, इस पोस्ट के अंदर उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बन जाती, डुप्लीकेट कॉपी। अच्छा, फिर वो बंदा एक और पोस्ट करता, नहीं पासवर्ड नहीं, सिर्फ नाम और वो जो जो बेसिक डिटेल्स हैं वो वाली, यानी कि जो चीज़ें मुझे स्क्रीन पर दिखानी है, यानी उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल,
ये उन चीज़ों की बात हो रही है, ये पूरा पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। मैं क्योंकि हाथ से उठा के रख रहा हूँ तो जो मैं जो फील्ड रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। अच्छा अब इसमें देखो प्रॉब्लम सुनते जाओ, बड़े गौर से सुनो प्रॉब्लम्स, प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए इसके बहुत अच्छे तरीके से, वरना डीपॉपुलेशन आपके लिए जहर कातिल भी साबित हो सकता है, आपकी पूरी एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ये। अगर आपको उसका पता नहीं होगा ना प्रोज एंड कॉन्स, तो आपको फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। अच्छा तो हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम यहाँ पे बजाय ये आईडी रखने के हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पूरा रख देंगे, ठीक है। बल्कि हम और भी उससे भी एक बेहतर काम करते हैं कि हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम को मिला के ना फुल नेम बना देते हैं और फुल नेम रखते हैं। हमें तो पता है ना बंदा लॉगिन है इस वक्त जो पोस्ट कर रहा है, तो हमें तो उसकी तीनों चीज़ें, हम उसको जैसे मर्जी क्राफ्ट करके उसको रखवा दें, तो हम एक फुल नेम रखवा देते हैं और डैश लगा के उसी के आगे ईमेल भी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि हमें उसको दिखाना उसी तरीके से, या हमें वो एक ही फील्ड में दोनों चाहिए, जैसे मेरा दिल करे। मैं उसको तीन अलग अलग कर दूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, या मैं ये कर दूँ कि फुल नेम ईमेल, या मैं ये कर दूँ कि फुल नेम, तो पूरा फुल नेम और डैश ईमेल, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो जैसे मेरा दिल करे, जैसे मेरा यूज़ केस होगा, मैं उसको यहाँ पे रख सकता हूँ। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि बंदे ने पहली पोस्ट की, उस पोस्ट के अंदर उसका पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, उसमें नाम ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आ गया, फिर एक और पोस्ट करेगा तो वो एक और हो गया, फिर एक और पोस्ट करेगा तो एक और हो गया। उस बंदे ने दिन में 200 पोस्ट कर दी, और वो 200 की 200 पोस्ट में उसका जो ऑथर आईडी का जो वो पूरा ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो तो सारा डुप्लीकेट होता चला जा रहा है, वो सारा क्या होता चला जा रहा है, डुप्लीकेट होता चला जा रहा है। लिहाजा मेरा जो पोस्ट का जो कलेक्शन है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ये हरकत करने की वजह से मेरे पोस्ट का जो कलेक्शन था उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, समझ रहे हो बात। अच्छा लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं पोस्ट को गेट करता हूँ तो मुझे एग्रीगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा गेट होता है, सीधा सीधा डिस्प्ले होता है, और फास्ट हो जाता है, क्विक हो जाता है, क्योंकि अंदर मल्टीपल क्वेरीज परफॉर्म नहीं हो रही, सिंगल क्वेरी पर उठा के लाता है, और वो आप क्योंकि जब सारा मंगवाएंगे तो वो टॉप से उठा के लाता है, तो कोई किसी किस्म की सॉर्टिंग वॉल्टिंग भी नहीं होती, तो वो सीधा यूँ उठा के लाता है, यूँ डिस्प्ले मारता है, तो बिल्कुल फास्ट हो जाता है ये, सही है। लेकिन उसका जो डाउन साइड है वो क्या होता है कि कलेक्शन का साइज़ मेरा इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा अब दूसरा डाउन साइड जो सबसे ख़तरनाक है, अगर बंदे ने जाके अपनी प्रोफाइल में, अच्छा पहले तो लेकिन साइज़ इंक्रीज़ होने वाला चक्कर समझ लो, प्रोफाइल में भी बाद में जाके देखते हैं। अब साइज़ इंक्रीज़ हो गया, क्या ये अच्छी बात है क्या ये बुरी बात है? अच्छा वैसे देखने में शायद ही लग रहा है कि यार ये बुरी बात है, लेकिन अगर हम नो सीक्वल डेटाबेसिस के सेंस में देखें ना तो ये अच्छी बात है, और अगर हम 2023 के कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? जब सीक्वल डेटाबेसिस बने थे जिस ज़माने में, देखो कंप्यूटर साइंस के अंदर ना, अगर कोई लोग यूनिवर्सिटी वगैरह अटेंड किया आपने, तो वहाँ पे टॉपिक अक्सर जेरे बहस रहता है कि कंप्यूटर साइंस में टाइम और स्पेस की एक जंग होती है, ठीक है। आप इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी डिबेट है, तो कुछ जगहों पे हम टाइम बचा लेते हैं, कुछ जगहों पे स्पेस बचा लेते हैं। अच्छा तो जिस ज़माने में ये सीक्वल डेटाबेसेस वगैरह बने थे और ये डी जो नॉर्मलाइज फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट जब आया था, तो उस ज़माने में जो स्टोरेज डिवाइसेज होती थी ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। स्टोरेज मीडियम आज भी महंगी है लेकिन नस्बतन कम महंगी, ठीक है। तो वैसे तो ये देखने में बुरा लग रहा है, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो एक फ्लॉपी ड्राइव जो होती थी, एक फ्लॉपी डिस्क जो होती थी, उसका साइज़ आपको पता है कितना होता था? 2 point something MB होता था, ठीक है, एक फ्लॉपी डिस्क का साइज़। और लोग उसके अंदर डेटा को ट्रैवल करते थे, USB के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा फिर क्या हुआ, उसके बाद CD आ गई, जो चमक चमक वाली CD होती थी, उसका जो साइज़ होता था वो कोई 700 MB होता था। अच्छा ये जो CD ड्राइव थी, जो CD डिस्क जो थी, वो काइंड ऑफ आप समझ लें सन 2000-2001 में जब मैंने होश संभाला तो पहली दफ़ा तो मैंने CD देखा था, मैंने फ्लॉपी ड्राइव वाला ज़माना नहीं देखा। हाँ बावजूद इसके कि उस ज़माने में भी लोग फ्लॉपी ड्राइव को इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये जो डेटाबेसेस वगैरह बने थे ना, ये उस ज़माने में बने थे जब फ्लॉपी ड्राइव नई नई आई थी, और उस वक्त जो कंप्यूटर के अंदर Pentium 1 के अगर मैं ज़माने की बात करूँ, ठीक है, जो जिस ज़माने में ये बने थे डेटाबेसेस और ये सब डिज़ाइन हुआ था, यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो SQL डेटाबेस था ना, उसको ये बोलते थे रिलेशनल डेटाबेस, RDBMS। माइक्रोसॉफ्ट ने ये सबसे पहले इसको ईजाद किया था, इसको बनाया था, RDBMS, ठीक है। उसकी भी एक स्टोरी है, वो एक साहब थे डॉक्टर EF कोड नाम था उनका, तो वो उन्होंने बनाया था, फिर उनको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने निकाल दिया, फिर वो उन्होंने जाके सन माइक्रो सिस्टम में जॉब पकड़ ली,
तो उनको भी उन्होंने सेम बना के दे दिया, तो उसका नाम फिर बाद में उन्होंने ओरेकल रखा। तो ओरेकल और ये RDBMS थे, रिलेशनल डेटाबेस इसको कहते थे। रिलेशनल डेटाबेस में ये होता था, जैसे ये जो काम हो रहा है ना, कि एक ऑब्जेक्ट होता था उसके अंदर, जैसे पोस्ट का एक ऑब्जेक्ट था, तो उसमें ऑथर की आईडी होती थी, तो वहाँ से उठा के लाता था, तो उसको कहते थे रिलेशन बना था, इस चीज़ को ये रिलेशन कहते थे। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस वो डॉक्टर EF फोर्ड ने बनाया था पहली दफ़ा। ठंडा हो गया ये। अच्छा, तो वो ओरेकल और RDBMS जो था, दोनों का क्या था, वो चला, बस को छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, बगैर इसकी करते हैं। तो ये पेंटियम वन वगैरह के ज़माने की बात है। तो उस वक्त जो हार्ड ड्राइव होता था ना कंप्यूटर में, वो होता था 4 MB, 5 MB, 10 MB की हार्ड ड्राइव होती थी। या अगर बहुत बड़ी कोई हार्ड, जैसे अभी के ज़माने में अगर बोलें भाई 10 TB की हार्ड ड्राइव है, तो उस वक्त 10 GB की हार्ड ड्राइव होती थी। तो 10 GB की हार्ड ड्राइव वाज अ वेरी वेरी बिग हार्ड ड्राइव, जो कभी भी आप सोच ही नहीं सकते थे कि अभी भी फुल होगी। तो इस तरह के मामला थे उस टाइम ना। अच्छा, तो और अच्छा, वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती थी। जैसे अभी हमारे पास अगर 10 TB की जो हार्ड ड्राइव अभी अगर हम बाय करते हैं, तो हमें शायद वो मिलेगी शायद 70-80 हज़ार तक की मिलेगी पाकिस्तानी। ठीक है, 10 TB की अगर मैं M2 वाली, जो नया वाला माल है, M2 वाली अगर मैं बाय करूँ, तो 60-70 हज़ार पाकिस्तानी की एटलीस्ट वो होगी। तो इसी तरह उस ज़माने में भी वो बहुत महंगा था स्टोरेज मीडियम। अच्छा, फिर स्टोरेज मीडियम बड़ा स्लो भी था, अब तो वो बहुत फास्ट हो गया। अच्छा, तो उस ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो हमें क्या करना होता था, हमें स्टोरेज को बचाना होता था, और स्टोरेज को बचाना होता था और टाइम थोड़ा सा भले ज़्यादा लग जाए तो वो खैर हो जाती थी उसकी, वो मसला नहीं था, क्योंकि स्टोरेज डिवाइस इतनी महंगी थी। अच्छा, अब क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेज निस्बतन बहुत सस्ती हो गई हैं, यानी उस ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिसाल के तौर पे उस ज़माने पे अगर आप 100% अगर उसको स्केल करते हैं, तो अभी के ज़माने में ना वो 0.00 समथिंग रह गया है वो कॉस्ट। क्योंकि हमारे पास उस ज़माने में जो 2 MB 4 MB की फ्लॉपी डिस्क मिलती थी ना, जो यानी पाकिस्तानी 100 रुपये की मिलती थी, और पाकिस्तानी 100 रुपये मतलब उस ज़माने की एक बहुत बड़ी बात होती थी। एक बंदा पूरे दिन मजदूरी करता, उसको 20-30 रुपये मिलते थे। ये उस ज़माने की बात है, उस ज़माने में 100 रुपये की होती थी फ्लॉपी ड्राइव, जब मैंने होश संभाला था 2000 के अराउंड की बात है। तो 100 रुपये की फ्लॉपी ड्राइव का मतलब है कि आज की वो कितने रुपए हो गए, इस वक्त एक मज़दूर की तनख्वाह 1500 रुपये है दिहाड़ी दिन की। तो काइंड ऑफ वो लगा लो कि कोई 10 हज़ार तक की थी पाकिस्तानी, 10 हज़ार तक की थी उस ज़माने में एक फ्लॉपी ड्राइव, यानी कि वो 3-4 दिन की दिहाड़ी एक बंदे की, तो इसी तरह बनती है तकरीबन 4-5 हज़ार या 6 हज़ार या 10 हज़ार के अराउंड, ये इस तरह का फिगर था। अभी हमारे पास जो है, जो 512 MB का डेटाबेस हमें इसने दिया है, वो बिल्कुल फ्री में दिया है MongoDB एटलस ने। ठीक है, ये 512 MB का जो डेटाबेस है, ये उस ज़माने की कितनी फ्लॉपी बनती है, अभी अपना घर भी बेच देते ना अगर तो 250 फ्लॉपी डिस्क बनती है ना, नहीं घर तो नहीं बिकता खैर, लेकिन ये है कि कोई मोटरसाइकिल वगैरह तो बिक जाती, 250 फ्लॉपी खरीदने में ना अच्छे खासे पैसे लग जाते, वो हमें फ्री में ये दे रहा है। तो हमने ये सीखा कि हमारे पास स्टोरेज मीडियम निस्बतन बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी तेज़ी से तरक्की कर रही है, हमने फास्ट और चीप बना लिया है। तो अब हमारे पास जो है ना, असल चक्कर जो है वो टाइम का है। याद रखें, 2023 एंड ऑनवर्ड्स स्पेस वाला मसला हमने सॉल्व कर लिया है। अब किसी भी जगह पे स्पेस या टाइम की जब बात आएगी कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये याद रखना, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का इस वक्त। जिस जगह पे भी, यानी जिस लेवल का हम ये पढ़ रहे हैं ना, जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर या फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी हम कोई साइंसदान तो नहीं बन रहे ना यहाँ पे, हम तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एंड यूज़र की ऐप बना रहे हैं। तो हमारे नज़दीक जब भी ये वाला सवाल आएगा कि टाइम को बचाना है या स्पेस को बचाना है, तो हम हमेशा टाइम को बचाएंगे, स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे हम। तो हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, हम स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमने कहा खैर हो गई, कोई मसला नहीं है, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कोई मसला नहीं है, हमारी क्वेरी फास्ट चलनी चाहिए, हमारे यूज़र को जल्दी से डेटा दिखना चाहिए। ठीक है, हमने इस चीज़ को प्रेफर कर लिया। अच्छा, तो ये हमने समझ लिया कि हमारा जो साइज़ इंक्रीज़ होना है, वो असल में बुरी बात नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारा टाइम बचा रही है वो। लिहाजा अगर हम ये वाली अप्रोच अगर करते हैं कि आईडी रखते हैं हम, तो हमारे पास वो क्वेरी स्लो हो जाती है हमारी। क्वेरी स्लो होने के वजह से हमारे पास स्पेस तो बच रहा है, लेकिन क्वेरी स्लो हो रही है, टाइम जा रहा है हमारा। तो टाइम और स्पेस का गेम है, तो हमें हमेशा टाइम बचाना है। तो ये हमने अप्रोच जो अभी की है, ये इनवैलिड हो गई। हम अभी इसमें डी नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली कर रहे होंगे, हम इसमें डी पॉपुलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, डी पॉपुलेशन इज़ बेटर अप्रोच इस सिचुएशन में। अच्छा, अब एक लास्ट प्रॉब्लम समझ लो। अच्छा, इससे हमें ये पता लग गया कि लाइक्स जो हम करेंगे ना, एटलीस्ट चलो एक में तो हमने लगा दिया, पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट सीखना था हमने।
अच्छा पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा वो भी एक फिर बहस है। अब देखो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स पता लग गया ना, तो कहाँ पे अब पॉपुलेशन लगेगी? ये तो लग गया है, ये तो अब तो लग रहा है कि हर जगह ही हमें डीपॉपुलेशन लगानी चाहिए। अब तो ये लग रहा है ना कि हर जगह हमें डीपॉपुलेशन लगानी चाहिए, तो पॉपुलेशन कहाँ लगेगी? तो वो अभी आपको प्रोज एंड कॉन्स पता लग गया, अभी आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ लगेगी। इंटरनेट को फॉलो करेंगे, लोगों के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, लोगों ने इस पर बहस की हुई है लंबी लंबी, उसको देखेंगे, आपको तो खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा कहाँ पे अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो लिहाजा हमें क्या पता लगा कि जो लाइक्स का जो एरे है इसके अंदर अब हम सिर्फ आईडी पुश नहीं करवाएंगे, बल्कि आईडी के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा बना देंगे हम, जो कि उस बंदे का नाम होगा जस्ट उसके अंदर, और कुछ भी नहीं होगा, जस्ट नाम होगा, वहाँ पे ईमेल नहीं होगा, याद रखें ये बात। अच्छा, जब हम नाम रखवा ही दिया हमने, तो आईडी फिर हम क्यों रख रहे हैं? आईडी हम इसलिए रख रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता उसको क्लिकेबल बनाना पड़ गया मुझे, कि क्लिक करने पे उस पूरे बंदे की प्रोफाइल पे चला जाए, तो उसके लिए आईडी का इस्तेमाल होगा। तो आईडी मैं इसलिए उसको रख रहा हूँ, आईडी को हटा नहीं रहा। इवन अगर मैं यहाँ ऑथर की जगह पे भी ना, अगर मैं अगर पूरा ऑब्जेक्ट लगाता तो वहाँ पे भी मैं आईडी को कैरी करता, आईडी को मैं लूज़ नहीं करता। अभी हमेशा बात याद रखें कि जब भी मैं डीनॉर्मलाइजेशन करता हूँ तो मैं ये नहीं करता कि मैं डेटा पूरा लूज़ कर जाऊँ, ये काम नहीं करता कभी। मैं उसको कैरी ज़रूर करता हूँ उस आईडी को साथ साथ, कि कभी मुझे अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट को रीच करना पड़ गया तो वो मैं कर सकूँ, है ना, कभी मुझे रीच करना पड़ सकता है। ठीक है, आमतौर पे करना नहीं पड़ता, लेकिन उसको मैं कैरी करता हूँ। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई। अब सबसे लास्ट और सबसे अहम प्रॉब्लम कि मैंने ऑथर आईडी की जगह पे ऑब्जेक्ट रखवा दिया, उसमें बंदे का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल रख दिया, और आईडी को भी मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ, आईडी को भी साथ में कैरी कर रहा हूँ। अब उस बंदे ने, जवान के बच्चे ने जाके प्रोफाइल में अपना नाम कर दिया चेंज। अब क्या होगा? अब मैं ये करूँगा कि मैं क्वेरी चलाऊँगा, और उस बंदे का नाम मैंने जहाँ जहाँ लिखा था, जिस जिस पोस्ट में, आईडी तो कैरी कर रहा हूँ ना मैं, वहाँ आईडी तो कैरी कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि यार अच्छा मुझे पता है मैंने पोस्ट में ये हरकत की हुई है, मुझे पता है मैंने आर्टिकल जहाँ जहाँ मुझे पता है ये बात, तो मैं उन तमाम जगहों पे एक लंबी चौड़ी क्वेरी लगाऊंगा या एग्रीगेशन लगाऊंगा, जो भी मेरा दिल करेगा, और उसके अंदर मैं उन तमाम जगहों पे जाकर उसके नाम को चेंज करूंगा मैं। अच्छा, ये तो बहुत उल्टा हो गया गेम हमारे पे। हमने जो क्वेरी बचाई थी, हमने जो अपनी एक दो क्वेरी बचाई थी, तो वो तो सारी पूरी हो गई यहीं, तो बात क्या, फ़ायदा क्या हुआ फिर? क्योंकि जब जब वो नाम चेंज करेगा, जब जब, तो मेरे लिए अजाब है। अगर अब मिसाल के तौर पे उसका 5 साल पुराना अकाउंट है और वो करोड़ों के हिसाब से पोस्ट को लाइक कर चुका है, तो वो उन करोड़ों एरेज में जाके और उसके नाम को अपडेट करना पड़ेगा, ये तो गेम खराब हो गया है। अब बताओ क्या करें इसका हल? नाम चेंज करने पे लिमिट लगा देते हैं हम। फेसबुक एग्जैक्टली यही करता है, फेसबुक में आप नाम चेंज करो उसकी हट जाती है। बोलता है बस अभी 90 दिन तक, अभी 90 दिन तक अभी ये वाली मस्ती दोबारा नहीं करना, अभी कर लिया है बस। सही है। अच्छा, ये तो मजाक की बात है, और करते भी हैं ये, सारे करते हैं ये ट्विटर वगैरह ये सब करते हैं ये काम। ठीक है, वो लिमिट लगाते हैं, ट्विटर पे नहीं करता, वेल बर्दाश्त कर रहे हैं वो, ठीक है। तो फेसबुक नहीं कर रहा बर्दाश्त। तो भाई सीन ऐसा है, आपकी टीचर तो नहीं है ना अभी? अच्छा, तो हमारे पास है, 5 मिनट हैं। तो हम एक्चुअली करते ही हैं, देखो अगेन वो टाइम और स्पेस का कंपैरिजन है, कि टाइम बचाना है या स्पेस बचाना है। तो हमारे पास, हम ये देखते हैं कि कौन सी क्वेरी ज़्यादा परफॉर्म हो रही है। मिसाल के तौर पे हमने जो डीपॉपुलेशन लगा के जो फ़ायदा उठाया था, वो कौन सी क्वेरी में उठाया था? वो फीड की क्वेरी में उठाया था। फीड की क्वेरी, एक यूज़र जो मेरे पास आएगा मेरी ऐप को इस्तेमाल करने के लिए, वो फीड की क्वेरी को कितनी दफ़ा हिट करेगा? सर 5 मिनट दे मुझे प्लीज़। मल्टीपल टाइम्स हिट करेगा, यानी वो आते ही सबसे पहले वो फीड की क्वेरी को हिट कर देगा, और फीड की क्वेरी को जब वो हिट करेगा तो वो एक दफ़ा नहीं करेगा, वो मल्टीपल टाइम करेगा। फिर मैं, हज़ारों यूज़र हैं, वो सारे इसको यूज़ कर रहे हैं, और यही मेरे ऐप का मेन फीचर है, तो इसको तो सब लोग हिट कर रहे हैं। अच्छा, इसके कंपैरिजन में मेरा यूज़र अपना नाम कितनी दफ़ा चेंज करेगा? शायद साल में एक आध बार कर ले, और अगर मैंने लिमिट लगा दी और उसकी वेरिफिकेशन कर ली, ब्लू टिक के बाद आप नाम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना? तो अगर इस तरह की कोई सेटिंग हो गई, फिर तो कभी भी नहीं कर सकते आप। तो लिहाजा हमें पता ये चला कि जो ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है ना जो क्वेरी, हमें उसको फास्ट बनाना है। लिहाजा अगर नाम चेंज करने पे कोई एक्सटेंसिव किस्म की क्वेरी लगती है एक दफ़ा, तो वो मेरे लिए बेरेबल है, ठीक है, इन कंपैरिजन, क्योंकि वो एक दफ़ा लग रही है ना,
उसमें मसला नहीं है, वो चलेगी 3-4 मिनट ले लेगी, क्या ले लेगी। अच्छा फिर अगर नाम बंदे ने चेंज किया है, अब वो फ़ौरन क्या करेगा, फ़ौरन थोड़ी फीड में जाकर ढूंढना शुरू कर देगा कि मेरा नाम चेंज हुआ है, वो थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा। और अक्सर आप शायद ये नोट भी करेंगे फेसबुक वगैरह टाइप के प्लेटफॉर्म पर, जब आप नाम चेंज करते हो ना पोस्ट में वो नहीं आ रहा होता। गिटहब के ऊपर मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने नाम चेंज कर दिया मेरा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, नाम चेंज ही नहीं हुआ, फिर वो थोड़ी देर में जाके चेंज हुआ। ठीक है, तो अगर वो नाम चेंज करने पे बैकग्राउंड में कोई आपने एग्रीगेशन लगा दिया या कोई क्वेरी लगा दी कि जी जितने भी इस बंदे ने पोस्ट किए ज़िंदगी में उन तमाम पोस्ट पे जाओ और इसके नाम को जाके चेंज करो, ठीक है, ये एक्सटेंसिव क्वेरी है लेकिन स्टिल मेरे लिए बेरेबल है क्योंकि वो ज़िंदगी में एक आध बार कर रहा है नाम चेंज, लेकिन क्वेरी जो है ये मेरी फीड वाली ये बार बार चल रही है, तो इसको मैंने फास्ट बनाना है। ठीक है जी, तो आज हमने ज़रा कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हमारे लाइक वाला जो फीचर था उसको हमने अब कंप्लीट किया आज, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि क्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 बातें बताई हैं, उसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और चलेंगे आगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।